बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारर और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप भी अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और टाइम पर सोए भी होंगे, क्योंकि आज जो हमने बात रिसर्च में देखी है वो यही है कि अगर आप वक्त पर नहीं सोते, यानी कि जल्दी नहीं सोते हैं, तो आप यानी कि जो देर से सोने वाले हैं वो जल्दी सोने वालों और जल्दी उठने वालों से 10% ज्यादा खतरे में है और जल्दी बूढ़े भी हो जाएंगे। हाँ जी, जल्दी बूढ़े भी हो जाएंगे। मेरे ख्याल में जो आज रिसर्च हमजा पढ़ रहे थे उसके मुताबिक यही है कि अगर आप अर्ली सोते हैं और अर्ली उठते हैं, हाँ, तो आप जवान भी रहते हैं, हाँ, सेहतमंद भी रहते हैं, हाँ, क्योंकि आपकी नींद पूरी होती है, आप एक्टिव भी रहते हैं और आप ज्यादा जीते हैं, ज्यादा बीमारियों से भी बचे रहते हैं और आप जवान रहते हैं। हर कोई जो है ना वो आबे क्या वो कहते हैं उसको हयात पीना चाहता है, ताउम्र जिंदा रहना चाहता है। ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये कि हम उम्र बढ़ा सकते हैं, तवीलुल उम्री के लिए जो है आप, हम दुआ भी करते हैं लेकिन हम कुछ कोशिश भी कर सकते हैं। जो लोग देर से सोते हैं और देर से जागते हैं, हमने बताया कि ये रिसर्च बता रही है जो कि जर्मनी के अंदर की गई है, 4 लाख से ज्यादा मर्दों खवातीन पर की गई है, वो ये बताती है कि ये लोग जल्दी 10% ज्यादा इनमें शरा है कि ये जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और जल्दी इनकी जो है जिंदगी भी खत्म हो सकती है और बीमारियां तो लग ही सकती हैं। और ये कहना कि जी कि सिर्फ 7-8 घंटे की नींद ले लेनी चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। 7-8 घंटे की नींद रात की नींद ले लेनी चाहिए, उससे आप जो है फ्रेश भी रहते हैं। टाइमली सो जाना जो है, मैक्सिमम 8-9 बजे जो है वो हमें वाइंड अप कर देनी चाहिए अपनी चीजें, और 10 बजे तक कम अज कम सो जाना चाहिए। जब हम इशाल से पूछें कि इशाल आप कितने बजे सोई थी, तो इशाल बताती है रात यार मुझे 1 बज गया था सोते सोते। लेकिन वो ये कि हमारा कुछ काम ऐसा है, हमें तैयारी करते करते भी वक्त लग जाता है, लेकिन ये कि हमें अपनी रूटीन भी दुरुस्त करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप लोगों को मशवरा दे रहे हैं, अपनी रूटीन भी। हमने आज रिसर्च पढ़ी, हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी रूटीन को बहुत बेहतर करने की कोशिश करें। तो अब हम सबसे पहले बात करें कि N75 डस्का में होने वाले ज़मीनी इंतखाब की, अगर इसको रीपोलिंग कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि अब रीपोलिंग होगी। पोलिंग पहले भी हुई थी, वहां पर जरा धुंध के मसाइल थे, फायरिंग भी हुई थी, जिसकी वजह से ये फैसला आया था कि रीपोलिंग होगी। ऐसे ही है, और अब तो दोबारा दंगल सज चुका है, देखते हैं आप क्या होता है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद मली में कांटे का मुकाबला इस वक्त मतवक है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, 47 पोलिंग स्टेशन को तो इंतहाई हसास करार दे दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही, CCTV कैमरे भी यहाँ पर नस्ब किए गए हैं, जबकि ज़मीनी इंतखाब में नून लीग ने दोबारा कशीदगी का खदशा भी जाहिर किया है। लीगी रहनुमा अता तारर ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज सुबह भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुखालिफीन पर इल्जामात की बौछार की गई है, और ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और ये किए जाते भी हैं जब कोई इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, उन्होंने कहा था कि कसूवाला में रैली में शरीक नून लीग की साबिक MPA कमल नोमान पर फायरिंग और संगीन नतायज की धमकियाँ दी गई हैं उन्हें, और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि एक कारकुन को अगवा भी किया गया है। नून लीग के इल्जाम के बाद इलेक्शन कमीशन ने DPO सियालकोट से फायरिंग और मुखबिर कारकुन की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है, लेकिन ताहाल जो है मेरे ख्याल में कोई सामने सिचुएशन नहीं खुलकर आ सकी है। 19 फरवरी को होने वाले ज़मीनी इंतखाब के दौरान फायरिंग हुई थी, पोलिंग का अमला गायब हो गया था। वाकयात पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पोलिंग के अहकाम जो है जारी किए थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, इस फैसले को बरकरार रखा गया था, और इस वक्त जो है पोलिंग का अमल भी जारी है, पोलिंग का वक्त जो है शुरू हो चुका है, जो बगैर तातुल के जारी भी रहेगा, जिसके बाद काउंटिंग की जाएगी और ये मालूम हो सकेगा कि इस जो इलेक्शन है, ज़मीनी इंतखाब है, इसका नतीजा क्या बनता है। इस सवाल से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, हामिद रजा कालू मौजूद हैं, शाहिद चौधरी मौजूद हैं। हामिद, पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या देख रहे हैं आप, टर्नआउट कितना है, पिछले जब पोलिंग हुई थी पहले फरवरी के अंदर उसको देख लिया जाए और अभी की आप देख लें, क्या गहमा गहमी आज ज्यादा नजर आ रही है आपको? जी, आज गहमा गहमी ज्यादा नजर आ रही है। पिछले जो 19 फरवरी का इलेक्शन था उसमें कंपेन में गहमा गहमी नजर आती थी, लेकिन आज टर्नओवर के हिसाब से अगर हम देखें तो मैं समझता हूं कि आज काफी बेहतर पोलिंग हो रही है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। वो अता तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी, तो वो जो फायरिंग का जो वाक्य और कंवल नुमान जो अदाकारा साहब का MP है, उनके ऊपर जो कहा गया था कि फायरिंग की गई,
वो उसकी उस मुकदमा की दरखास्त में तो यही लिखा गया था कि एक साथी को अगवा भी किया गया और उनके ऊपर फायरिंग भी की गई, लेकिन जब एफआईआर नून लीग की जानिब से करवाई गई, रफाकत अली नामी उसका मुदई है जो कि थाना 17 में एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसमें ना तो कंवल नुमान का नाम है और ना ही वो अगवा होने वाले शख्स का नाम है और ना ही उसका जिक्र किया गया है। कोई भी एफआईआर जो है, यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि मुदई के सिग्नेचर्स के बगैर एफआईआर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती, चूंकि दरखास्त के ऊपर जो मुदई है वो दस्तखत करता है, अपना मौका बताता है, तो उसी के मुताबिक जो है वो एफआईआर जो है होती है। उस वाकया के बाद जैसे ही हम अतातारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, डीपीओ सियालकोट से जवाब तलब किया, फौरी तौर पर कानून हरकत में आया, तो उसके बाद जो डीएसपी अदनान मलक हैं डस्का सर्कल के, वो भी वहां पे पहुंचे, दीगर टीमें वहां पे पहुंची, तो मालूम ये हुआ कि वहां पे ये लोग पैसे बांटते थे। ये बताइएगा क्योंकि आप बता रहे हैं कि पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, 9 बज चुके हैं, बताइएगा कितनी गहमा गहमी देख रहे हैं, क्या लोग उतनी ही रफ्तार से आ रहे हैं जैसे पहले पोलिंग में आए, जैसे अब रीपोलिंग हो रही है तो लोगों का इंटरेस्ट क्या उतना ही ज्यादा है वोट डालने में? जी बिल्कुल, लोगों का जो इंटरेस्ट हम सुबह से देख रहे हैं, 8 बजे से पहले यहाँ पे कतारें लगे थी, अब तो लोग अंदर जा चुके हैं, लेकिन टर्नओवर बहुत अच्छा है, लोग जो हैं वो जोक दर जोक चले आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, ऐसा बिल्कुल बजाहिर नजर नहीं आ रहा कि कोई सियासी पार्टी अपनी गाड़ियों में वोटर्स को लेके आ रही है, लोग खुद से आ रहे हैं, खवातीन की एक बड़ी तादाद वो भी आज वोट अपना कास्ट करने में हक रायदही इस्तेमाल करने में शरीक है, उसके साथ साथ जो मर्द हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है, हक रायदही इस्तेमाल करेंगे 4,94,003 वोटर्स। तो टर्नओवर जो है मेरे ख्याल से आज अगर सिटी की हम बात करें तो सियालकोट शहर में 85% से अबव रहेगा। अच्छा, और गुज़श्ता इलेक्शन में जो टर्नओवर था, चूंकि फायरिंग के वाकयात हुए, दीगर बदमजगियां हुई, और ये एक जमात की तरफ से नहीं, दोनों जमातों की तरफ से इस तरह के हल्ले गुल्ले होते रहे, जो कि कॉलेज रोड डस्का के ऊपर, कचहरी रोड डस्का के ऊपर जो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, उसके बाहर नून लीग थी और अंदर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेंगे, शाहिद चौधरी भी वहां पर मौजूद है। शाहिद, आप हमें बताइएगा इंतजामात कैसे किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अभी तक तो कोई कशीदगी की खबर सामने नहीं आई कि कहीं पर कोई कशीदगी हुई हो? जी हमजा इशाल, मैं आपको बताता चलूं कि आज यहाँ पर अभी तक किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश नहीं आया, और ना ही इस हवाले से कोई शिकायत जो है वो सामने आई है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पर 47 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है और कैटेगरी ए में रखा गया है, यहाँ पर CCTV कैमरेज लगाए गए हैं, रेंजर एहलकार जो हैं वो अंदर भी तैनात हैं पोलिंग स्टेशन के और बाहर भी तैनात हैं, पुलिस की नफरी जहाँ पहले बंद थी उसमें डबल कर दी गई है, तो यहाँ पर इंतहाई सख्त पुलिस के जो है वो इंतजाम किए गए हैं, इसके साथ साथ पाक फौज के दस्ते जो हैं वो भी मौजूद हैं जो कि क्विक रिस्पांस के तौर पर यहाँ पर अमल दरामद करवाएंगे, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। दोनों जमातों से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों की जानिब से वोटर्स को घरों से लाने का सिलसिला जो है वो जारी है। आज सुबह जैसे ही हमजा और इशाल जो पोलिंग का अमल शुरू हुआ था तो लंबी कतारें हमने देखी थी, जोशो जज्बा देखा था, ये जोशो जज्बा तो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को घरों से लाने का था कि वहां पे लोग लेकर आए थे, उनकी लंबी कतारें हमने यहां पर देखी, और यहां पर जो अभी सूरत-ए-हाल बता रही है वो ये है कि आज का टर्नआउट जो है शहर के अंदर वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अच्छा, यहां पर 7 पोलिंग स्टेशन जो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं वो शहर के अंदर है, जबकि जो 40 पोलिंग स्टेशन है वो देही इलाकों के अंदर जो है वो मौजूद है। यहां पर टोटल 360 पोलिंग स्टेशन है, 106 में जो है वो मर्द पोलिंग स्टेशन, 106 ही खवातीन के हैं, और 148 पोलिंग स्टेशन जो है वो मुश्तरका तौर पर जो है वो बनाए गए हैं। कुल आबादी अगर हम बात करें डस्का इस हलके की तो वो 9,23,323 है, जिसमें जो है 4,94,003 जो है वो वोटर्स हैं, जिनमें 2,73,006 जो है वो मर्द हैं, 2,20,957 है वो खवातीन वोटर्स जो है अपना हक करेंगे। जी ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट हमें जरा ये बता दें कि महकमे मौसमियात ने कुछ बताया तो नहीं है, धुंध पड़ने का तो कोई खदशा नहीं है ना आज अप्रैल के अंदर? हमजा और इशाल, आपने सुबह इतनी जबरदस्त और प्यारी बातों से आगाज किया जिसमें आपने कहा कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, सेहत अच्छी होगी, तो यहाँ जो हल्के की हालत में आपको बताऊं, धूप बहुत ज्यादा है, आज सारा दिन दर्जा हरारत जो है वो बढ़ेगा, इस वक्त भी आसमान पे जो है वो सूरज चमक रहा है, तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वोटर सोए हैं ना उम्मीदवार सोए हैं, रात से वो लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियां इंतजाम कर रहे हैं, और यही सूरत हाल हमारे मीडिया पर्सन की है जो लाहौर से दूसरे इलाकों से यहाँ पर कवर
कवर करने के लिए आए हैं, तो वो भी सुबह से जाग रहे हैं और इसके साथ जोशा ये तो शायद खुशाइन बात है, शायद ये तो खुशाइन बात है कि इस बार जो है वो धुंध नहीं पड़ रही है, सारा मतला जो है वो अबर अलूद नहीं है, सारा कुछ क्लियर रहेगा, सिचुएशन जो है वो वाजे तौर पर हम देख सकेंगे, उम्मीद हम यही कर रहे हैं। हामिद और शाहिद बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस हवाले से, और इलेक्शन बहुत अहम है और जो बयानबाजी है उसका भी आगाज हो चुका है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जो न्यूज कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं उनका भी आगाज हो चुका है और इल्जाम कराची जो है वो शुरू हो गया, वो जारी है, लेकिन ये कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुरअमन वोटिंग जारी है, तो हम उम्मीद करते हैं सख्त इंतजाम, बिल्कुल रिजल्ट भी ऐसा ही आए, पुरअमन ही रहे। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल में कोरोना वैक्सीन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है हमारा, उसकी तकसीम के दौरान अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान वाज़े फर्क दिखाई दे रहा है। हमजा, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा जैसे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वैक्सीन की इस दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है, लेकिन गरीब ममालिक जो वो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, कल हम इसी पर बात कर रहे थे, ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट थी जिसका हमने कल तस्करा भी किया था जब हमने प्रोग्राम का आगाज किया था, कि बहुत लंबा रास्ता है हमें तय करना होगा, जो ममालिक तरक्की पजीर ममालिक हैं, अभी तक दुनिया भर में निसफ अरब से ज़ायद वैक्सीन की डोजेज दी गई हैं, उनमें से 3/4 से ज़ायद दुनिया की जो अमीर तरीन ममालिक हैं वो इस्तेमाल कर चुके हैं, और उनकी आबादी के हवाले से अगर देखा जाए तो जो दूसरी दुनिया है या तीसरी दुनिया है जिसको हम कहते हैं तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनकी बात कर ली जाए तो उन तक तो शायद अगले 20 सालों में भी ये वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा, यही रफ्तार रही है। ऐसा ही है, और इस हवाले से एक इस्तेमाल इस्तेमाल की जा रही है वैक्सीन नेशनलिज्म जिसे कहा जा रहा है, इससे मुराद ऐसी हुकूमतें हैं जो लालच या फिर गैर मुनसिफाना तरीका कह लें दूसरों की कीमत पर अपनी कौम या आबादी के लिए सामान हासिल करना चाहती हैं। ये किसी अलमिया से कम नहीं है कि बहुत सारे दौलतमंद ममालिक जो हैं बेतहाशा और ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन खरीद रहे हैं, भाई जितनी ज़रूरत है फिलहाल उतनी खरीदें ताकि तमाम ममालिक इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बिल्कुल ऐसी है, वज़ीर-ए-आज़म साहब बारहा ये जो है मुतालबा कर चुके हैं कि आप सिर्फ तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं ये भी इस मामले के ऊपर सोचें, और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जो अफोर्ड अभी नहीं कर सकते उनके बारे में भी सोचें। आप अपने ममालिक की हर्ड इम्यूनिटी की तो बात करते हैं, हम पूरी दुनिया की हर्ड इम्यूनिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 75% आबादी को वैक्सीन लगाने में अगर यही रफ्तार रही तो 10 साल लग सकते हैं। कोरोना की वैक्सीनेशन में अदम मुसावात आलमी बरादरी की अखलाकियात के लिए आजमाइश से कम नहीं है, अमीर ममालिक को भी तरक्की पजीर और गरीब ममालिक का एहसास करना होगा, क्योंकि अगर ये सिचुएशन ऐसे ही रही, क्योंकि ये नाकाबिले कबूल है जो अभी चल रहा है, जहां अमीर और ताकतवर तबके की वैक्सीन के हसूल की दौड़ में गरीबों और पसमानदा अफराद को रौन दिए जाने का खतरा है, तो फिर आप समझ लेंगे कोई भी इससे बच नहीं सकता, क्योंकि अगर ये कोई मुल्क ये सोच रहा है कि भाई हम डोज इकट्ठी कर रहे हैं, हम वैक्सीन इकट्ठी कर रहे हैं, हम महफूज हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि दूसरे भी महफूज रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब तक पूरी दुनिया इससे नहीं निकल आती तब तक कोई भी महफूज नहीं। इसी हवाले से बात कर लेंगे, साबिक मुआविन खुसूसिया है डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो रिपोर्ट है ऑक्सफैम की, इस हवाले से अगर देख लिया जाए और हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, वो अगर ये कहें कि ये तो हमारा हक है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, तो ये हमारा हक है कि हम अपने आवाम के लिए इकट्ठा कर लें। जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये जो आपको वैक्सीन नेशनलिज्म या जो अदम मसावात या गैर मुनसफाना निज़ाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें हमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि दुनिया का निज़ाम जो है वो इसी तरह बना हुआ है कि जिसमें बहुत ज़्यादा गैर मुनसफाना तकसीम है रिसोर्सेज की, और अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान जो तफरीक है वो हर लिहाज से है, हर तरीके से है, यही चीज़ हेल्थ केयर में भी है, और यही चीज़ जब वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी नज़र आती है। लेकिन दूर क्यों जाएं, एक तरफ तो हम तकाबुल करते हैं गरीब और अमीर ममालिक का, लेकिन गरीब ममालिक के अंदर भी एक तकसीम है अमीर और गरीब के दरमियान, और नतीजा उसका ये है कि वो ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान के जहाँ पे अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वैक्सीन अवेलेबल की गई है, तो वो लोग खरीद रहे हैं उसको जो खरीदने की ताकत रखते हैं, और बहुत जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं मसलन 60 से अबव अगर गरीब लोग हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको तो अभी वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन अब एबिलिटी टू पे यानी कि आपकी कुव्वत खरीद मायार बन गई कि आप अपने आप महफूज कर सकते हैं। तो ये जो गैर मुनसफाना तकसीम है ना, ये हर दर्जे पे है, हर लेवल पे है, ये सिर्फ बैन अल अक्वामी तौर पे नहीं है, यकीनन इसको कंडोन नहीं करना चाहिए, इसकी
इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन इसके सोल्यूशन आने चाहिए और साथ साथ घर को भी इन ऑर्डर करना चाहिए। बिल्कुल सर, यही बात है कि वैक्सीनेशन जो ये नेशनलिज्म है, इसकी वजह से दुनिया जो गरीब ममालिक से वैक्सीन का हक छीन रही है, जैसे कि आपने कहा कि इस पर हमें हैरानगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाने के लिए आलमी इदारों को क्या करना चाहिए, इसको किस तरह से रोका जा सकता है? जी एक्चुअली आलमी इदारे जो हैं जी, उन्होंने तो एक निज़ाम वज़ा कर दिया था और उन्होंने कोवैक्स का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया था WHO और गावी ने मिल के, जिसका मकसद ये था कि तमाम ममालिक जो हैं वो अपने वसाइल एक पॉट में डालें, एक जगह पे डालें, ये कोवैक्स जो खरीदे वैक्सीन तमाम कंपनी से और मुल्कों की जरूरियात को सामने रखते हुए उनको तकसीम करें। लेकिन ये निज़ाम कायम तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो बावसाइल मुल्क थे उन्होंने बराए रास्त कंपनियों से वैक्सीन खरीदनी शुरू कर दी। उनकी अपनी सियासत हैं, उनकी अपने तहफ़ की ज़रूरियात हैं, तो उनके पास चूँकि वसाइल भी हैं तो उन्होंने उस वैक्सीन को भी खरीदना शुरू कर दिया जो अभी प्रोड्यूस भी नहीं हुई जी। तो लिहाजा ये कि बावजूद कोवैक्स के प्लेटफॉर्म के और वहाँ पे कमिटमेंट्स भी हुई हुई हैं, अब पाकिस्तान की मिसाल लें, पाकिस्तान को 17 मिलियन से ज़्यादा डोजेज जो थी वो मतवक्को थी कि पाकिस्तान में मार्च के पहले हफ्ते में आ जाएंगी, आज तक वो नहीं आ सकी। और उसकी वजह ये कि एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हमें मिलनी थी उसकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होती है, इंडिया के अंदर केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा जी कि पहले हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे फिर हम कोवैक्स को देंगे। तो ये एक इंटरलिंक्ड इंटर रिलेटेड एक ऐसा निज़ाम है पूरी दुनिया के अंदर कि जिसमें जब इमरजेंसी की सूरत हाल में हर कोई अपने तहफ़ के लिए भाग दौड़ करता है और अपने आप को पहले तरजीह, बात समझ में आने की है। असल में तो होना कि पाकिस्तान पिछली कई दहाइयों में खुद वैक्सीन प्रोड्यूस करने के काबिल होता तो आज हम इधर उधर ना देख रहे होते। बिल्कुल ठीक है जफर मिर्जा साहब, हमें सर ये भी बताइएगा कि आप दुनिया में उन चंद लोगों में से हैं, पाकिस्तान में खसूसी तौर पर, जो इस कोरोना वायरस को बहुत करीब से आपने देखा, मॉनिटर किया, जो सूरत हाल चल रही है, पहली लहर और तीसरी लहर को आप देखते हुए आप क्या फर्क देख रहे हैं? तीसरी लहर कितनी ज्यादा खतरनाक है, और दूसरा वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तान कहाँ पे गलत हुआ, क्या कि पॉलिसी हमारी गलत हुई, क्या कैसे बेहतर किया जा सकता है इसको? जी पहला जो आपका सवाल है उसका जवाब तो ये है कि बहुत सारे फर्क हैं, लेकिन दो बुनियादी फर्क हैं पहली और तीसरी लहर के दौरान। पहला फर्क तो ये है कि वायरस जो है वो उसके अंदर तब्दीली आई है और उसकी वजह से उस तब्दीली की वजह से उसके फैलाव की जो रफ्तार है वो पहले से तकरीबन 70 गुना तेज हो गई है। जाहिर है कि जब वायरस बहुत तेजी से फैलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुतासर करेगा और उनकी वो शरह कि जो शदीद बीमार वो भी ज़्यादा होगी, लिहाजा हमारे अस्पताल भी बढ़ रहे हैं। तो ये तो एक टेक्निकल वजह है। दूसरी वजह ये है कि पहली लहर के दौरान मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में लोगों के अंदर भी और इंतज़ामिया के अंदर भी, गवर्नमेंट के अंदर भी एक रिजॉल्व था और एक बहुत ज़्यादा इसके अंदर कमिटमेंट थी कि हमने इसको रोकना है। लेकिन ये चीज़ तीसरी लहर के दौरान उतनी नजर नहीं आई जितनी के पहली लहर के दौरान। जफर मिर्जा साहब, एक और चीज़ आपसे जो जानना चाहेंगे, जैसा कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट भी जारी की है उन्होंने कि अगर पाकिस्तान में यही सूरत हाल रही जिस स्पीड से लग रही है वैक्सीनेशन तो 10 साल भी लग सकते हैं, आप इत्तेफाक करते हैं कि वाकई हमें 10 साल इंतजार करना पड़ेगा इस वबा से निकलने के लिए? बहुत इनकलाबी इकदाम ना किए जाए जिसके लिए मुझे मालूम है गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर है। पाकिस्तान पांचवा बड़ा मुल्क है दुनिया का, बहुत बड़ी आबादी है, दूसरा बड़ा मुस्लिम मुल्क है, तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस वायरस ने वो तबाही तो नहीं मचाई कि जो यूरोप और अमरीका का, लेकिन इसके बावजूद तीसरी लहर जो है इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लिए हुए है और अल्टीमेटली इस वबा से छुटकारा हासिल करने के लिए जो वाहिद हल है इस वक्त वो वैक्सीनेशन ही है। लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिले में बहुत फाल भी है, अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करी है, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। देखें
पूरी दुनिया में इस वक्त जो वैक्सीन यूज होती है, हर तरह की वैक्सीन, सिर्फ कोविड की नहीं, 60% सिर्फ इंडिया में, 60% सही हो गया, पाकिस्तान 1% भी नहीं होता। अब ये किसकी है? ये जाहिर है इस गवर्नमेंट की तो सिर्फ गलती नहीं है, ये तो दहाइयों के ऊपर फैली हुई वो इग्नोरेंस है और वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और गैर जिम्मेदाराना पॉलिसीज हैं कि जिसके नतीजे में आज बिल्कुल सही कह रहे हैं जफर मिर्जा साहब आप, के जब तक कोई ऐसे बात नहीं उठाए जाते जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत कोशिश भी कर रही है, तब तक जो है वो हम शायद इससे ना निकल सकें। बहुत शुक्रिया मुआवने, साबिक मुआवने खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान, हम वापस आ चुके हैं एक अहम मसला लेकर। कोरोना वायरस ने मईशत के अलावा तो सारे जो थे सिस्टम्स उनको मुतासिर किया ही किया, तालीम को बहुत मुतासिर, बहुत ज़्यादा, और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है खासतौर पे तालीम को लेके, और जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में नहीं जा सके। हमने ये देखा है बच्चों को मसाइल का सामना था, बच्चे मुरादरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे कहते हैं एग्जाम्स आगे करते हैं, जो है ना तैयारी नहीं कर सके। तो बच्चों अब हम आपको बताने जा रहे हैं आप घर बैठे हुए तैयारी कर सकते हैं। ये बहाने तो नहीं चलने वाले, पेपर्स तो होने ही होने हैं क्योंकि पेपर्स कैंसिल नहीं हो रहे, लेकिन हम आप लोगों के लिए एक जो जिससे आप तैयारी कर सकते हैं पेपर्स की, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो कि हमारे वजीर आजम भी हमेशा कहते हैं, तो आप वाकई घबराने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए एक ऐप जो है वो मुतारिफ करवा दी गई है और इसी हवाले से हम आपको आज बताने जा रहे हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो इम्तहान है अब हमें पता है कि बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तलबा सोच में पड़े हैं कि वो इम्तहान की तैयारी कैसे करेंगे, तो अब उन्होंने परेशान नहीं होना क्योंकि उनकी मुश्किल के हल के लिए एक मोबाइल ऐप एडकासा जो है वो मुतारिफ करवा दी गई है। और ऐप को डाउनलोड करें, इत्मीनान से इसको इस्तेमाल करें, इम्तिहानात की तैयारी करें, और फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि जी कि ऐसा पेपर आ गया जो कोर्स में नहीं था, सारा कोर्स वहाँ पर मौजूद है, जो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं 22 बोर्ड्स हैं उनका सिलेबस जो है वो कवर किया गया है, कैसे लेक्चर हैं, कैसी वीडियोस हैं। इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम फ्लां बोर्ड से हैं, हम फ्लां बोर्ड से हैं, तो हमें हाँ ये बहुत बड़ी बात है, 22 बोर्ड्स को इसमें कवर किया गया है। तो अब इस पे बात करते हैं इसकी चीफ एजुकेशन ऑफिसर एडकासा अनम सादिक जो है वो हमारे साथ, इनसे पूछेंगे कि ये आपको ख्याल क्यों आया, क्यों आप नहीं चाह रहे कि बच्चे घर में सुकून करें, आप उनको घर में क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। क्या ये ख्याल आपको कैसे आया कि बच्चों को घर में तालीम जो है वो पहुंचनी चाहिए? ठीक है हम ऑनलाइन तालीम की बात कर रहे थे लेकिन हम इतने बेहतर नहीं हुए ऑनलाइन तालीम में, एडकासा क्या है, क्यों है? बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल पूछा आज आपने मुझसे। एडकासा जो है वो एक बहुत बड़े मकसद से और बहुत बड़े ख्वाब से हमने शुरू किया, 2017 में हमने इसका आगाज़ किया बिफोर द कोरोना वायरस पैंडेमिक, और ये था कि पाकिस्तान में तकरीबन 40% ऐसे बच्चे हैं जो अपने स्टैंडर्डाइज्ड बोर्ड और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में कामयाब नहीं होते, उनकी सप्लीज़ आ जाती हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो ना सिर्फ ये एक बच्चे का नुकसान है इसमें पूरे कौम का नुकसान है, पूरी सोसाइटी का नुकसान है, ये ममार है। बिल्कुल, जब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा तो एक स्किल्ड बेस्ड इकॉनमी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा, और जिस तरह तेज़ी से दुनिया बदल रही है हमें भी अपनी स्किल्स उस तरह से इम्प्रूव करनी है। तो एडकासा इस मकसद से शुरू हुआ था कि बच्चों को हम टॉप मार्क्स इंशाल्लाह दिलाएंगे ताकि फिर वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। अच्छा नम, आपने इसमें बताया हमें कि आपने लेक्चर्स जो हैं वीडियो की सूरत में भी दिए हुए हैं, किस तरीके से ये लेक्चर्स भी आपने खुद रिकॉर्ड किए हैं, खुद आपने स्टडी एजुकेशन जो है उसका सिस्टम सिर्फ आपसे ही जुड़ा हुआ है या फिर आपने टीचर्स हायर किए हैं इसके लिए स्पेसिफिकली? सो इस ऐप पे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 4,500 वीडियोज़ हैं, तो वो सारी वीडियोज़ में मैं तो डेफिनेटली नहीं आ सकती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक रॉकस्टार टीचर्स की टीम है और ये रॉकस्टार टीचर्स, इनकी सारी ज़बरदस्त क्वालिफिकेशंस है, सारे एमए ग्रेजुएट्स हैं, उनका 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग दैट सब्जेक्ट लेवल दैट ग्रेड लेवल, और ना सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि ये रॉकस्टार टीचर्स हैं, इस पर एक्सटर्नल इवैल्यूएशंस हुई हैं कि जो एडकासा का कंटेंट है उसको स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उससे क्या उनके ग्रेड्स पे इम्पैक्ट आता है। तो लम्स यूनिवर्सिटी जहाँ की मैं ग्रेजुएट हूँ, हमारे सीईओ फाहद तनवीर साहब वहाँ के ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने हमारे साथ एक इवैल्यूएशन की और उन्होंने देखा कि
जो एडकासा की क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके ग्रेड्स 20% इम्प्रूव हो रहे हैं बनिस्बत उसके जो एडकासा की क्लास नहीं ले रहा। अच्छा, तो इस पे बकायदा पूरी स्टडी हुई। अच्छा, एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप के जरिए मेहनत बहुत करनी पड़ी होगी। 22 मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, उनका जो है आपने कंटेंट इकट्ठा करना है, आपने देखना है कि वहाँ पर पढ़ाया क्या जा रहा है, यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को जुबान के इश्यूज आ रहे होते हैं, तो इसको कैसे आसान बनाया गया है कि बच्चे किसी भी जुबान के हैं, किसी भी जुबान को बोलते हैं, समझते हैं, उसको समझ सकें और अच्छे तरीके से जो अपनी तैयारी कर सकें, ये क्या मैकेनिज्म? देखिए, पहले तो हमने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया 2017 में, ठीक है, उस पर हमने कॉन्टेंट डाला ताकि हमें पता चले कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, फीडबैक आए, तो उससे हमें बहुत अच्छा फीडबैक आया, हमें समझ आया कि ज़रूरत क्या है स्टूडेंट की, तो उसके हिसाब से इस ऐप को डिज़ाइन किया गया और स्टूडेंट्स ने बेशुमार पार्टिसिपेट किया इस ऐप की डिज़ाइन के अंदर। अच्छा, तो और इसके साथ जो टीम का जो सिलसिला था ना, सबको साथ लेने का और सबका जो जज्बा था, क्योंकि एक पर्पस से काम कर रहे थे। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स ये भी हम जानना चाह रहे होंगे कि जैसा कि 22 बोर्ड्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका सिलेबस है, तो क्या टीचर्स भी 22 बोर्ड से रिलेट करते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्री और सिटीज से हैं, जिस तरह से सिंध से, बलूचिस्तान से, इसी तरह से हैं, या फिर आप ये सिर्फ यहाँ के उस्तादा जो हैं वही लेक्चर्स दे रहे हैं पंजाब से? नहीं, हमारे पास टीचर्स अक्रॉस द बोर्ड हैं, हमारे पास करदू से भी टीचर्स हैं, कराची के भी लेक्चरर्स, यू नो, बड़ी एक कॉस्मोपॉलिटन किस्म की हमारी टीम है। अच्छा। और तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी बोर्ड के हों, जिस तरह उनकी किताब के अंदर उनके चैप्टर्स शुमार हैं, उसी तरह ऐप के अंदर उनके कॉन्टेंट शुमार है, और हर चैप्टर के बाद स्टूडेंट से क्विज लेंगे, देखेंगे कि उनको ये चीज़ समझ आई नहीं आई, और उनको वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स जो एडकासा की कम्युनिटी के अंदर हैं उनसे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एग्जाम में आप जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आप किधर स्टैंड करते हैं, मतलब डिफरेंट क्या है आपकी एडकासा में, आपकी ऐप में, मतलब मैथड डिफरेंट है जो लेक्चर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं उनसे, कि बच्चे को आप कह रहे हैं कि मार्क्स जो है उनके बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, जैसे कि आपने खुद ही कहा भी, तो क्या रीज़न है, क्या तरीक़ाकार कुछ मुख्तलिफ है कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कम्प्लीट कॉन्टेंट है, ठीक है, सारी टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स और उनके हिसाब से क्वेश्चन कम्प्लीट हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम पूरी टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि वो कैसे ह्यूमनाइज करें ऑनलाइन एजुकेशन। हमने अक्सर सुना है कि बच्चे कहते हैं जी ऑनलाइन एजुकेशन में समझ नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो इसकी एक पूरी टीचिंग अप्रोच की एक फिलॉसफी है। तो हमने वो टीचर्स को ट्रेन किया कि उनको लगे कि जैसे बच्चा उनका दोस्त है, यानी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं ह्यूमन साइकी पे सबसे ज्यादा काम। हमने पूरी कोशिश की है कि बच्चे को लगे कि एडकासा उनको सपोर्ट कर रहा है। हमें आप ये बताएं कि टीम का आगाज कैसे हुआ, कितने लोग थे जिन्होंने एडकासा का जो है आगाज किया, आज इस टीम के साथ कितने लोग मुंसलिक हैं, इसको मजीद भी आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, कैसे एक्सपेंड करेंगे? बिल्कुल, सो ये टीम शुरू हुई 3 लोगों से। अच्छा। मैं, अनम सादिक, फहद तनवीर और सुहेल अली, हम तीनों जो है एक चीज़ कॉमन थी हम तीनों में, कि हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली लाइफ में वो हमारी तालीम की वजह से मिली। तो मैं लम्स की ग्रेजुएट हूँ, मैं US गई फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे, मुझे वहाँ पे मौका मिला। फहद तनवीर जो CEO हैं वो भी लम्स के ग्रेजुएट हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पर उनको आला तालीम का मौका मिला। सुहेल अली का भी इसी तरह का बैकग्राउंड है कि वो भी US में स्कॉलरशिप पे गए और पढ़ाई की, और हम तीनों को यही था कि अगर हम कर सकते हैं, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम पाकिस्तान की अवाम के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये 3 लोगों की टीम बनी, हमारे CTO हैं मुनीब अली, वो भी GIK के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो हम लोग सारे इकट्ठे हुए और 2017 में यही लोग थे। अच्छा। और अब माशाल्लाह हमारे 20-25 टीम मेंबर्स हैं और बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, फंडरेजर्स हैं, जो मिलकर अब लोग आते गए, कारवा बनता गया, ये वो वाला मामला जो है ना बिल्कुल बन गया। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, जो कल जब हमने देखा कि इस तरह की एक ऐप है, मैं और इशाल आपस में बात करते हैं, अब हम आपसे वो बातें करते हैं। वो बात ये है कि बच्चे को मोटिवेट कैसे करेंगे कि आप हमारी ऐप की तरफ आएं, क्योंकि बच्चे तो मेजॉरिटी ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाह रहे, और जो पढ़ना चाह रहे हैं वो टेक्स्ट बुक लेंगे, उससे पढ़ लेंगे, उसको इधर से पढ़ने के लिए क्या जरूरत होगी? वो जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा, उसको आप कैसे खींचेंगे बच्चे हमारे पास आओ, हम आपको पढ़ाएंगे? हम तो सबसे पहले ये कहेंगे बच्चों, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत आपने करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हैक नहीं है, और मेहनत आज करेंगे तो उसके जो फल हैं आपको पूरी जिंदगी मिलेंगे। बिल्कुल। तो हम एक्चुअली करियर काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनको गाइड करते हैं कि तालीम की क्या अहमियत है, उनको कैसे सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए जिससे उनको इंटरेस्ट हो, जिनसे उनको लगाव हो, तो वो मेहनत भी मेहनत ना लगे ऐसे। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि हम कैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, तो वीडियोस जो है ना वो स्टूडेंट्स को बहुत इनक्रेज करती हैं। हमारे टीचर्स आके बच्चों को शाबाशी देते हैं उनको, और देखें बच्चों को क्या होता है कि जैसे न्यूमेरिकल्स या फिजिक्स के बड़े मुश्किल होते हैं, बच्चे बड़े घबराते हैं, तो अगर क्विज में उनको 0 नंबर भी आते हैं ना, तो हम नहीं कहते पुअर परफॉर्मेंस, बैड जॉब, वेरी सैड, ऐसे नहीं है, अब उसे साइन करा के लाओ, नहीं कहते हम ये हम ये कहते हैं कि आप अपने स्किल लेवल के आगाज़ पर हैं,
यू आर एट द स्टार्टिंग लाइन एंड यू कैन बिकम एक्सेलेंट अगर आप मेहनत करेंगे. सिर्फ जो एक ए ग्रेड स्टूडेंट में और लोअर ग्रेड के स्टूडेंट में फ़र्क है तो वो मेहनत का है. नोबडी इज़ बॉर्न विद द सलाहियत कि हम कहते हैं ना वो तो मैथ का जीनियस है, वो तो पैदा ही स्मार्ट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. सो इस ऐप में आपको वो इंकरेजमेंट मिलेगी, वो मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अगर उस पॉइंट पे अभी टॉपर के पॉइंट पे नहीं हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है मैं नहीं बन सकता या मैं नहीं बन सकती. अनम, आपने अपने ऐप में सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स को ज़्यादातर आपने फोकस किया हुआ है, क्या समझती हैं कि जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना नहीं चाहिए? बहुत अच्छी बात है. नहीं, बिल्कुल उनको बहुत भी मेहनत करनी चाहिए. ये एक आगाज़ है हमारे सफ़र का. तो हमने आगाज़ किया ये साइंस सब्जेक्ट से क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, स्किल टीचर्स नहीं मिलते. तो ये एक आगाज़ है और इंशाल्लाह बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे ग्रेड्स देखेंगे. चलें हमें ये बता दें ज़रा कि इशाल कहती हैं कि जी कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ या मेरा दिल करता है कि मैं भी अटकासा का हिस्सा बन जाऊँ और मैं बच्चों को अगर पढ़ा सकता हूँ तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँ. लोग हमें देख रहे हैं, आपकी टीम का हिस्सा कैसे बना जा सकता है? पहले तो हमें बहुत फ़ख्र और ख़ुशी होगी अगर आप लोग हमें हमारे साथ दें और आके कोई भी एक मोटिवेशनल लेक्चर भी दें. हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा स्ट्रिक्ट है. तकरीबन जो लोग अप्लाई करते हैं उसमें से 2% जो है वो मूव ऑन करते हैं टू द फाइनल वन. उसमें टीचर्स का सिलेक्शन ये है कि सबसे पहले तो आप मास्टर्स हों, दूसरी चीज़ ये हो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस इतना हो उसी ग्रेड लेवल में जिसको आप लेक्चर देना चाहते हैं. उसके बाद हमारे डेमो लेक्चर्स होते हैं, एक टेस्ट होता है बाकायदा टू अंडरस्टैंड कि टीचर की क्या कॉम्पिटेंस है उसके अंदर. फिर एक 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन टीचिंग अप्रोचेस के अंदर. तो वो सब क्वालिफाई कर आप जो है वो आते हैं, हिस्सा बन सकते हैं, तभी हम कहते हैं रॉक स्टार टीचर्स. बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया मैम, आप यहाँ पर आई और ऐसा के हवाले से आपने हमें बताया. वो बच्चे जो घर में बैठे हैं, सिर्फ ये कोरोना की बात नहीं है, जब स्कूल्स खुल भी जाएंगे तब भी आप इससे मुस्तफीद हो सकेंगे, इस ऐप से इस्तफादा कर सकेंगे. तालीम हर बच्चे का हक है और अगर हर बच्चे तक तालीम उसके घर की दहलीज पर पहुंचती है तो ये बहुत अच्छी बात है. और आप एटकासा जो है इसको डाउनलोड, मेरे ख्याल में आप इस चीज से भी बच सकते हैं, जो आपको ट्यूटर हायर करना पड़ेगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा, आप ऐप जो है वो घर बैठे हुए यूज कर सकते हैं और घर बैठे हुए तालीम खुसूसी तौर पर बच्चियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. कई दफ़ा पेरेंट्स जो हैं, अगर हम रिमोट एरियाज़ की बात कर लें, वहाँ पर बच्चियों को भेजना नहीं चाह रहे होते हैं कि हम उनको इतनी दूर स्कूल्स हैं कैसे भेजें, तो ये एक प्लेटफॉर्म है. अपने बच्चों को तालीम जहाँ से भी मिल सकती है, अगर आसानी से घर में मिल सकती है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए. और आगे बढ़ेंगे, आगे भी एक और बड़ा मसला है और ये भी नौजवानों का मसला है जो आज हम लेके आए हैं. और वो मसला ये है कि एक ज़माना था जब हम हार्ट अटैक और फॉलिज जैसे जो अमराज हैं वो दरमियानी उम्र या बुढ़ापे में सुनते थे कि लोगों को हुए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं, हम अक्सर सुनते हैं रात को सो के उठे पता लगा कि वो नौजवान उसकी उम्र 18-19 साल थी या उससे कुछ ज्यादा थी, हार्ट अटैक हो गया. बिल्कुल ऐसा ही है, ये अब जो है वो नौजवानों में हो रहा है और उसकी बड़ी वजह जो है वो यही बताई जाती है कि आपका तर्ज ज़िंदगी जो है सेहतमंदाना ग़िज़ा से दूरी है, या फिर आपका तर्ज ज़िंदगी में आपकी में हार्डवर्क नहीं है, चहलकदमी नहीं है, आप वॉक नहीं करते तो आप सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं. तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी उसी तरह से सुस्त रवि का शिकार हो जाती है. कई घंटे मोबाइल फोन और दूसरी ऑनलाइन डिवाइसेस पर गुजार देते हैं हम, अब नहीं जाते हैं बच्चे बाहर खेलने के लिए, बच्चे जाते होते थे खेलने के लिए प्लेग्राउंड्स में जाते थे, वो बहुत ज्यादा कम हो गया. हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ नहीं जा रहे, जब हम जंक फूड जो है वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बेवक्त खाना खा रहे हैं. कोई किसी वक्त खा रहा है, एक दस्तरखान लगा करता था उस पर सारी फैमिली बैठ के एक ही वक्त में खाती होती थी, पता होता था कि ये टाइम है, सबको उसी टाइम पे भूख लगती थी. अब रात को जी पिज्जा ऑर्डर हो रहा है, बर्गर ऑर्डर हो रहा है. मैंने अभी भी वही रूटीन है घर की, अपने घर की सेट की हुई है बिल्कुल, के बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी एक ही टाइम फिक्स है, आपने डाइनिंग पे बैठना और खाना खाना है, चाहे आपने दस्तरखान बेड पे बिछा लिया लेकिन आपने खाना एक ही टाइम पे खाना है. आप ये नहीं कर सकते कि भाई इस टाइम पे नहीं तो इस टाइम पे आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. उससे फिर एक ये भी है कि आपका जो फैमिली बाउंडिंग है वो भी अच्छी हो जाती है. और दूसरी बात ये कि आप जो हमजा कह रहे हैं कि अब हमारी रूटीन चेंज हो गई है, हम रात को आधी रात को पिज्जा मंगवा के खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, तो वो भी नहीं होता. बिल्कुल ठीक है, इसी हवाले से बात करेंगे. जो मोटा जाता है फिर जिस्मानी फिटनेस में कमी हो जाती है, क्या ये भी वजह है कि हम हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की तरफ चले जाते हैं, फॉलिज अटैक हो रहे हैं नौजवानों के अंदर? बात करेंगे. डॉक्टर असद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर अमराज़ कल्ब हैं. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर. सर ये बताइएगा हमें कि ये क्या मामला है, हम पहले नहीं सुनते थे कि नौजवान को अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि हार्ट अटैक हो गया या फॉलिज का अटैक हो गया, ये बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या जो हमने वजूहत बताई सिर्फ वही वजूहत हैं या और भी कुछ हैं? अच्छा जी, थैंक यू. बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने आज मुझे ऑनलाइन लिया है. लेकिन पहली बात तो ये, जिसमें आपने बड़ा अच्छा बोला कि पहले हम सुनते थे कि दरमियानी उम्र और ज्यादा उम्र के लोगों में, वेस्ट में तो ये दरमियानी उम्र में भी नहीं होता है,
ये जरा ज्यादा उम्र में ही होता है। तो साउथ ईस्ट एशियन की पॉपुलेशन है ये पहले ही जरा की प्रीडिस्पोज है टू प्री मेच्योर कॉर्निया डिजीज, यानी 40 ईयर से पहले ये दिल की बीमारी आने के लिए। तो एक तो ये कि हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं, दूसरा जो आपने बड़ी अच्छी रीजन गिनवाई है कि जी हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया, हमारा एक तो जीन्स हमारी साउथ ईस्ट एशियन है और लाइफस्टाइल हमने अब वेस्ट वाला अपना लिया है जो कि मजीद इसको खराब कर रहा है और हमारी ये जो हार्ट डिजीज या स्ट्रोक इसका इंसिडेंस है यह यंगर पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो एक दो वजह तो आपने बड़ी प्रॉपरली सही तरह बता दी कि लाइफस्टाइल में ये मसले हैं कि खाना हम लेट खा रहे हैं और फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं। दूसरी चीज शायद ये है और जो बहुत जरूरी है कि एक आपने ये बताया कि खाना सारे घर वाले मिलकर इकट्ठा दस्तरखान पे खाते थे और ये हो और एक अच्छे टाइम पे इशा से पहले खा लिया और उसके बाद दो तीन चार घंटे के बाद सोते थे, अब लेट नाइट खा रहे हैं टीवी के आगे बैठने में वहीं पे ही फौरन बाद ही सोने चले गए, तो कोई एक्टिविटी नहीं है ना कोई वॉक कर रहा है ये हो ना। और तीसरी चीज ये कि अभी हमने ये रिसेंटली स्टडी भी किया है कि बहुत यंग बच्चे जो इवन अभी ग्रेड 6, 7, 8 में उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाए गए हैं जरा से पॉश एरियाज के स्कूल्स में, तो दे आर मोर देन 200 जो एलिजिबल रेंज में आ गए हैं। डॉक्टर साहब इसकी रीजन क्या है, क्या ये जंक फूड है या फिर आपका वर्कआउट ना होना है? दोनों है, आई थिंक बोथ, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है क्योंकि जो बंदे फिटनेस हैवी हैं और अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं वो उस एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग जंक फूड की तरफ जरा कम उनका रुझान होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा 3-3 घंटे जिम जा रहा है और उसके बाद वो जंक फूड भी खाएगा, तो ये दोनों आपस में बड़े क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं। और एक और चीज जो आजकल हम ओवरलुक कर जाते हैं एंड वी सी इट डे इन एंड डे आउट, और वो देखे जिस तरह हमने वेस्टर्नाइजेशन की बात की है, वो ड्रग्स ऑफ अब्यूज है, ये कोकेन और एक्सेसी वगैरह, दीज आर मेजर कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक इन यंग पीपल, और स्ट्रोक भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमारे ब्लड की स्टिकीनेस है उसको बढ़ा देती हैं, जो प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर डिसऑर्डर पैदा करती है, लेकिन क्लॉट हेल्दी आर्टरी के इवन और उसमें क्लॉटिंग हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि इस बच्चे का कोलेस्ट्रॉल पहले ज्यादा ही हो तो फिर ये मसला हो। डॉक्टर साहब जी बता दीजिएगा कि अब करें क्या, नौजवानों के अंदर तो हम ये नहीं देखते थे कि हम उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं, उनके चेकअप करवाएं या उनके टेस्ट करवा लिए जाएं, हम जरा बुजुर्गों को ही देखते हैं कि अगर, वैसे तो पाकिस्तान में ये भी रिवाज नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनके चेकअप के लिए जाते हैं, तभी हम बीमारी का शिकार। क्या करें, सिर्फ अपनी रूटीन लाइफ को बेहतर कर लें या अब हमें मजीद चेक्स की भी जरूरत है? पहली बात ये कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कॉर्निया की डिजीज की, हार्ट डिजीज की, स्ट्रोक की और या डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, तो आप एक अर्ली एज से ही अपना चेकअप करना शुरू करें रादर देन वेटिंग फॉर 40 इयर्स ऑफ एज, जिसके बाद आप कहेंगे जी 40 साल की होके फिर हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि तब तक डिजीज प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है, तब तक तो उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो डिजीज को 20 इयर्स की एज से ऑनवर्ड उससे भी पहले पिक कर लेना है, डायग्नोज करना, उसको ट्रीट आपने टीन्स और ट्वेंटीज में करना शुरू कर देना। तो जिन लोगों की फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, वो अपने टीनेज इयर्स ही अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें और सिगरेट स्मोकिंग से दूर है। स्मोकिंग और डायबिटीज ये तो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं ये जो उन लोगों में जिनमें पहली फैमिली हिस्ट्री हो, तो ये सब चीजें आप अर्ली एज में पकड़ लें, तो बिफोर दे हैव एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी आप इसको ट्रीट कर लें, तो इंशाल्लाह यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। सही हो गया डॉक्टर साहब। अगर नौजवानों में से किसी को हार्ट अटैक या फालिज का मसला हो गया है तो आप क्या समझते हैं कितना जानलेवा साबित हो सकता है या इससे रिकवरी भी हो सकती है? अगेन रिकवरी बिल्कुल हो सकती है, इनफैक्ट जो विल टेक द वन बाय वन, जो स्ट्रोक का मसला है स्ट्रोक में तो पहले 1-2 महीने ही मेजर रिकवरी होते हैं, ओवरऑल रिकवरी 1-2 साल तक चलती है, उसके अंदर अदर देन ऑब्वियसली जो मेडिकेशन आपको डॉक्टर्स देते हैं और सब कुछ देते हैं, उसके अलावा आपका प्रॉपर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, फिजियोथेरेपी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है, जहाँ पर हम उसको बहुत लाइट लेते हैं, अमूमन तो उसकी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि आपने फिजियोथेरेपी भी करानी हो, घर में किसी मालिश वाले को बुला के समझते हैं ये जी फिजियोथेरेपी हो रही है, तो दैट्स नॉट ट्रू। अभी ये पूरी एक साइंस है, वो लोग आपके हर मसल को एक्टिवेट करते हैं और स्ट्रोक का यंग मरीज पूरा तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी भी बहुत केसेस में पॉसिबल है अगर आप प्रॉपरली मैनेज करें। और जो हार्ट अटैक का है उसके अंदर
अगेन पहली चीज आपकी मेडिसिन है जो आपको आपका डॉक्टर देता है, तो आपने 100% फॉलो करना है। यहाँ पे क्या होता है, हार्ट अटैक का मरीज आता है जो बहुत कॉमन है, उस वक्त वो सारी बात समझता है जब आप घर भेज रहे होते हैं उसको, हर बार माता है 2 हफ्ते के बाद आएगा तो 3 दवाइयां ले रहा है, 2 नहीं ले रहा जी, इससे मुझे घबराहट होती है या इससे मुझे ये होता है, उनके जहन में वो सेवेरिटी नहीं आती डिजीज की, खुदा ना खास्ता अगला हार्ट अटैक। ठीक है डॉक्टर असद, आप हमें ये भी बता दीजिएगा कि किस वक्त डॉक्टर से रुजू करना जरूरी हो जाता है, सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब हमें मतलब के सिम्टम्स आ रहे होते हैं हम उसको मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि शायद ये कोई और प्रॉब्लम ही नहीं है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, हम लोग उसको संजीदा नहीं लेते, कब डॉक्टर से रुजू करना है, क्या सिम्टम्स हों आपके? तो अच्छा देखें, थोड़ी माइनर एक्स एंड पेन्स तो हर कोई होती है, कभी कमर के हिस्से में दर्द हो गया, कभी चेस्ट में इधर उधर दर्द हो गया, तो हर चीज के लिए तो आपको डॉक्टर पास आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या जॉ पेन या बाजू में दर्द, लेफ्ट बाजू में खासतौर पर ऐसा दर्द हो रहा है जो आपको चलने फिरने के वक्त एग्जर्शन पे होता है और रेस्ट पर होता है, तो वो चीज एक अलार्मिंग साइन है, खासतौर पर अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसी पेन को तो आपने फौरन डॉक्टर के पास रुजू करना है। बाकी अच्छा दूसरी चीज ये कि मसल एक पेन जिसके अंदर बात की, अगर वार्म अप मसल नहीं है, आपने अचानक कोई हैवी चीज उठा ली तो उससे भी पेन वगैरह आती है, लेकिन दे डू गो अवे विद टाइम, और वो एक खास किस्म के आर्म पोस्चर या बॉडी पोस्चर में आती है, दे आर नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू एग्जर्शन, हार्ट की पेन। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है कि एक फैमिली है, वालिद को हार्ट का इशू था या वालदा को हार्ट का इशू था, बच्चे को वो फील होता है कि मुझे भी ये इशू हो रहा है, हम उसी मेडिकेशन के ऊपर चले जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने वालिद या वालदा को वो दवाइयां दे रखी थी, ये कितना गलत एटीट्यूड है हमारा? ये बहुत गलत है जी, बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट मैं अभी उधर एक ग्लासेस की दुकान पर था, तो वो एक बंदा अपने दोस्त को अपने वाले ग्लासेस का नंबर लगवाना चाह रहा था कि जी मुझे भी इस नंबर से ठीक होता है तो इसको भी ये लगा दे, तो मतलब बहुत गलत एटीट्यूड है। थोड़े से हम पैसे बचाने के लिए या थोड़ी सी तकलीफ करके एक खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, और मतलब मानते भी नहीं कि जी मेरा ब्लड प्रेशर का इलाज इससे हुआ था दूसरे का भी, कई दफा किसी की किडनी शुरू होते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दी जाती है, किसी के किडनीज में नहीं है, किसी को कोई और मसला है तो उसको उसके मुताबिक दवाई दी जाती है। हम उसको भी कहते हैं कि मेरे भी इस साइड पे दर्द थी, तुम्हारे भी इस साइड पे दर्द है, तुम भी ये गोली खाओ, मैंने भी ये खाई थी तो ठीक हो जाओगे। बिल्कुल, और कई हार्ट पेशेंट आते हैं कि फलां मेरा दोस्त है था, उसको तो 3 दवाइयां चल रही है, मुझे 5 भी चल रही है, भाई उसका मसला और है आपको और है, तो इसलिए ये चीज हर पहली बात तो ये देखिए हमें अपनी मेडिकल कंडीशन हर एक से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हर लेबैन एक डॉक्टर बना हुआ है बाहर ना, और वो आपको मशवरा देगा कि मैंने शुगर की फलां दवाई खाई तो उसे ठीक हो गया, ये फौरन एक क्वालिफाइड डॉक्टर की दवाई छोड़कर आप उस बंदे की दवाई खानी शुरू कर देते हैं, और अपने जिंदगी के साथ खेलने वाली बात है। आपको क्वालिफाइड डॉक्टर देखता है, आपके अगर नंबर्स ठीक आ रहे हैं उस पे आप उसके मुताबिक चलें, और उस साथ ही रेगुलर अपना रब्ता रखें। ये हर रैंडम बंदा या रैंडम कोई भी डॉक्टर आपको किसी फंक्शन में मिलता है आप उसे अपना मसला डिस्कस करके, उसको क्या पता आपकी बैकग्राउंड का, एक बंदा जो 5 साल से ट्रीट कर रहा है ही नोज वे मोर देन द डॉक्टर बिल्कुल ठीक है। आपकी हिस्ट्री जिस डॉक्टर के पास है उन्हीं से राय लीजिए, हर एक से राय लेना ना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर असद अकबर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सब पाकिस्तान का हिस्सा बने। और इशाल यही मामला है, एक तो हम दूसरे को डॉक्टर ने क्या दवाई दी थी उसके ऊपर जो है खुद को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, और ये जो उन्होंने कहा ना कि आप शादी पे किसी से मिले, डॉक्टर साहब मुझे ना ये मसला था, डॉक्टर साहब कहते अच्छा आप ये लेके देख लें, डॉक्टर साहब के पास तो आपकी रिपोर्ट्स भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और आप जो हम डॉक्टर साहब भी एक बात कह रहे थे कि उनके एक दोस्त ने किसी दूसरे को कहा कि भाई मुझे ये नंबर लगा हुआ तो तुम भी ये नंबर लगवा लो, तो हमजा भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे सुबह कि इशाल जो है वो आंखें चेक करवाती है तो आप भी चेक करवाया करें हर महीने, ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई है। लेकिन हम एक तरह के लेंस और एक तरह की ऐनक नहीं लगा सकते, दोनों को मसाइल होंगे, यही मसला है हर बीमारी के अंदर हमें समझना होगा। खैर यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और अब आपको बताते हैं कि कोई अच्छी खबर जो है हमें मिल नहीं रही है IMF के हवाले से, खुसूसी तौर पर बिजली मजीद महंगी होगी और नए टैक्स भी लगेंगे, हुकूमत ने IMF को ये यकीन दहानी करा दी है, जो तफसीलात सामने आई हैं उनसे तो यही मालूम है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने IMF से आइंदा बजट में
FBR टैक्सेस बढ़ाकर 12 खरब 72 अरब रुपए करने का वादा कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा है, और मौजूदा माली साल के बकाया 3 माह में बिजली के नरख 4 रुपए 97 पैसे फी यूनिट तक बढ़ाने का वादा कर लिया गया। जी बिल्कुल, और ये जो IMF की जारी दस्तावेज है इसके मुताबिक हुकूमत ने नेपरा की तरमीम शुदा ताकतों की खुद कारियत के जरिए आइंदा बरस भी सालाना, सैमाही और माहाना बुनियादों पर बिजली के नरखों की एडजस्टमेंट जो है वो जारी रखने का वादा भी किया, और दस्तावेज से जाहिर होता है कि हुकूमत इस बरस बजट के हदफ को 4 खरब 50 अरब रुपए के बजाय 5 खरब 10 अरब रुपए इकट्ठे करने के लिए तेल की मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी में भी ज्यादा से ज्यादा 37 रुपए फी लीटर और आइंदा बरस भी इसमें इजाफा जारी रखेगी। इसलिए आवाम को जो है वो तैयार रहना चाहिए, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो भी महंगी हो सकती हैं और साथ साथ बिजली वो भी महंगी होने जा रही है, क्योंकि हदफ तो पूरा बहरहाल करने के वादे किए जा चुके हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मजियाकार फारूक सलीम साहब। फारूक सलीम साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये तफसीलात तो सामने आ गई हैं, इस पे बात करने से पहले क्या हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन थी, क्या इससे बेहतर डील की जा सकती थी कम अज कम? देखिए आपने अरबों और खरबों रुपए तो बड़ी जल्दी से गिनवा दिए हैं, नहीं है एक है और एक इसका सियासी एंगल बनता है जी। आपने ऑप्शंस का मैं समझता हूँ कि ऑप्शंस डेफिनेटली मौजूद हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अभी आपने जो अरबों और खरबों का जिक्र किया, आम आदमी के लिए उसका क्या असर होगा, आम आदमी के ऊपर उसका क्या असर होगा? आपने बताया कि कोई 5 रुपए तकरीबन टैरिफ बढ़ रहा है, उसका असर जो है वो 900 अरब रुपए का बनता है बिजली के सार्फिन के ऊपर, जिसका मतलब यह है कि औसतन हर पाकिस्तानी जो बिजली का सारिफ है उसको इजाफी बिल आएगा तकरीबन 30,000 रुपए का सालाना की बुनियाद पर। 30,000 रुपए सालाना हर एक जो है औसतन उसको 30,000 रुपए का इजाफी बिल। आप देखिए कि अभी बिजली बिल हमारे जो है वो तकरीबन 300% बढ़े हैं पिछले 3 सालों में, तो मजीद 30,000 रुपया उसका बोझ जाएगा। आपने टैक्सेस का जिक्र किया, तकरीबन 1,300 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आ रहे हैं। 1,300 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का मतलब ये है कि हर पाकिस्तानी खानदान जो है उसके ऊपर इजाफी टैक्स आ रहा है तकरीबन 30,000 से 40,000 रुपए का सालाना की बुनियाद की। तो ये माशी एंगल मैं समझता हूँ कि ये सस्टेनेबल नहीं है। सियासी होगा इसका कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो मुआयदा किया है IMF के साथ वो उसको पूरा नहीं कर पाएगी। सही, तो फारूक सलीम साहब, फारूक साहब जैसे कि हुकूमत ने IMF की शर्त जो है वो मान ली है, नए टैक्स लगाने का जो वादा है वो कर लिया गया है, इस वक्त बिजली जो है वो 5 रुपए अगर महंगी कर दी जाती है तो क्या आप नहीं समझते कि ये तो आवाम की पहुंच से वैसे ही दूर हो जाएगी, क्या ये शर्त मान लेनी चाहिए? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ये आवाम की रीच से बाहर हो जाएगी। अभी हकीकतन हुआ ये है कि हमने IMF की सारी शरायत या हमारी हुकूमत ने IMF की सारी शरायत मान ली है और उसके इवज $500 मिलियन की जो किस्त थी वो भी हमारे खजाने में क्रेडिट हो गई है, वो भी हमने ले ली। अब आ गया इसका सियासी एंगल। मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे हुकूमत इतना ज्यादा बोझ जो है वो पाकिस्तानी अवाम पे नहीं डाल पाएगी। आप देख रही हैं कि ऑपोजिशन जो है वो भी बड़ी गर्म है और फिर इलेक्शन की बात भी करना शुरू हो जाती है, तो ये इलेक्शन के हम करीब पहुंचने लगे हैं, ऑपोजिशन का इतना ज्यादा बोझ है, माशी तौर पे पाकिस्तानी अवाम जो है वो इतना बड़ा बोझ जो है वो उठा नहीं सकेगी। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को किसी स्टेज पे या तो IMF के साथ रीनिगोशिएट करना पड़ेगा अग्रीमेंट, या कोई खिलाफ वर्जी करनी पड़ेगी, वायलेशंस होंगी, ये चीजें जो जिसके ऊपर जिस मुआहदे पे साइन किया गया है वो इम्प्लीमेंटेबल है, वो अमल दरामद नहीं हो सकता उसके। बिल्कुल ठीक है फारूक सलीम साहब, हमें सर ये भी बता दीजिएगा कि हमने सारी शराइत मान भी ली, फिर भी अगर हम आलमी इदारों की बात करें तो वो पाकिस्तान की मईशत को कुछ अच्छा रेट नहीं कर रहे हैं। हम रखते हैं, स्टेट बैंक हमें कहता है कि 3% पे चली जाएगी, हुकूमत कहती है 2.1% पर आ जाएगी शरा नमू, लेकिन वो हमें बताते हैं कि नहीं आप इतना खुश ना हो, आप तो 1.something पर जा रहे होंगे, तो फिर इतना अच्छा हमें रेट क्यों नहीं किया जा रहा? हुकूमत तो दावे कर रही है, क्या हुकूमत की ये सियासी नारे? देखिए पहली बात हम सबको अपने जहन में रखनी होगी कि ये जो आलमी मालियाती इदारे हैं ये किसी भी मुल्क की मईशत की सिम्त दुरुस्त करने नहीं आते, ये काम हमारे
अपने सियासतदानों का है, ये काम हमारी अपनी क्यादत का है, हमारी अपनी क्यादत ने मुल्क की संजीदा करनी है। आप IMF या वर्ल्ड बैंक की 75 साल तारीख खोल के देख लें, उनका ये नहीं है कि वो किसी मुल्क में आके उस मुल्क की मईशत की सिमत दुरुस्त करें, ये हमने खुद करना कि अपने के अपने ऑब्जेक्टिव हैं, उनके अपने गोल्स हैं। सही हो गया फारूक सलीम साहब, जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा भी कि हो सकता है कि नेगोशिएशन पर जाना पड़े IMF के साथ, क्योंकि हुकूमत जो है वो इतना बोझ आवाम पर नहीं डाल सकेगी, अपोजिशन का भी सामना है साथ ही, तो नेगोशिएशन पर पहले जाने से पहले बेहतर ये नहीं था कि पहले इन मामलों को तय किया जाता, पहले उनके सामने इस तरह की रखी जाती बात कि भाई हम इतना हदफ नहीं पूरा कर सकते, ये पहले नहीं होना चाहिए था? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये पहले होना चाहिए था। और एक चीज़ हम और अगर साफ वादे कर लें, मैंने जितने IMF के जितने भी ममालिक के साथ जो है मुआहदे पड़े हैं, उसमें कभी ये नहीं कहता कि आप बिजली की टैरिफ या बिजली के नर्ख बढ़ा दें। अच्छा, उसका कहना ये है कि भाई आप 1,000 अरब रुपए का बिजली के सेक्टर में खसारा कर रहे हैं, उस खसारे को ख़त्म कर दें। अब वो खसारा ख़त्म करने का तरीका ये हो सकता है कि हुकूमत कामयाबी से जो चोरी हो रही है 20-25% बिजली उसको रोक सके, कम कर, जो वसूली जो है वो हम 90% पे करते हैं उसको 95 पे ले जाए, 100 पे ले, लेकिन क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो बिजली चोरों को बिजली चोरी नहीं रोक पाती, वसूली नहीं बढ़ा पाती, तो फिर एक ही ऑप्शन जाता है कि नर्ख बढ़ा दिए जाए। अब ये नर्ख हम बढ़ा रहे हैं पिछले कई सालों से, और उम्मीद ये करते हैं कि शायद उसके नतीजे में हमारे बिजली के सेक्टर के खसारे दूर हो जाएंगे, वो नहीं हो पा रहा। तो वो आइंस्टाइन का पता कि आप एक ही एक्सपेरिमेंट को दोहराते चले जा रहे हैं और उम्मीद रहे हैं कि शायद कोई नतीजा फर्क निकलेगा, इस तरह बोझ गरीब पर पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक फारूक सलीम साहब, हमें ये बता दें, हमने अरबों खरबों की बातें की जहाँ से हमने बात का आगाज़ किया था, आम आदमी की मईशत तो उसके किचन तक महदूद होती है, उसको उसके आगे मईशत समझ ही नहीं आ रही होती, उसको टमाटर का रेट समझ आता है, आलू का रेट समझ आता है, वो अब लेने जाएगा मशरूबात लेने जाएगा, आप खजूरें लेने जाएगा तो उस पर भी रेट समझ आ जाएगा, अंडे का रेट समझ आता है, कोई रिलीफ मिलता हुआ यानी कि इस पूरी गुफ्तगू के बाद हम ये देखें अगले साल तक हमें नज़र नहीं आ रहा आवाम को? बदकिस्मती से लग कुछ ऐसा ही रहा है। देखिए, एक तो हुकूमत के इदारों शुमार हैं जो आपको बताते हैं कि आलू की कीमत का क्या हुआ, टमाटर की कीमत का क्या हुआ, जो पिछले साल आप जानते हैं कि जो ज़रा अफोर्ड कर सकती हैं फैमिलीज पाकिस्तान में, वो हर रमज़ान से पहले वो ज़कात के डब्बे बनाए जाते हैं जिसमें कोई 16-17-20 आइटम्स आते हैं, आटा चीनी घी टाइप। पिछले साल रमज़ान में एक डब्बा ज़कात के लिए बनाया जा रहा था जो 17 आइटम्स पे मुश्तमिल था, वो 2,000 रुपए का बन रहा था, और आज एग्जैक्टली वही आइटम्स जो हैं वो 3,000 रुपए के बन रहे हैं, यानी कि ऑन द ग्राउंड तकरीबन 50% इजाफा है खाने पीने की चीज़ों में। हुकूमती इरादों शुमार जो हैं वो उससे कहीं कम बताते हैं, तो ऑन द ग्राउंड हकीकत जो है महंगाई की वो हुकूमती इरादों शुमार से कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले पाकिस्तान का सब बने, और जो शराइत सामने आई हैं, जो डिटेल सामने आई हैं, उससे यही लग रहा है कि आवाम पर जो है मजीद बोझ पड़ेगा। जब आगे बढ़ेंगे, जो खवातीन खासतौर पर घर बैठी हुई हमें देख रही हैं, नौजवान भी देख रहे हैं, मर्द हज़रात भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ले सकते हैं। मामला ही कुछ ऐसा है, हम लोग सोचते हैं कि जी कि हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और खवातीन खसूसी तौर पर घर पे बैठी बैठी क्या करें, कभी कभी खवातीन से भी मोटिवेट हो जाता है इंसान, हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो इस वक्त फील्ड्स हैं उनमें अपने झंडे गाड़ चुकी हैं खवातीन। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स की हम बात करें तो अब तो उसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है, अब मुस्तकबिल की ये दुकानें हैं कि जो आप घर बैठे हुए ऑनलाइन जो है खोल लेते हैं, डिजिटल दुकानें होती हैं, आपको कोई कारोबार करने के लिए किसी जगह पर नहीं जाना पड़ता। हम पगड़ी की बात कर रहे थे कि वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी आपको नहीं देनी पड़ती और उस पर बैठ के चीजें नहीं बेचनी पड़ती। बिल्कुल ऐसा ही, अब घर बैठे अपनी एक दुकान सजा सकते हैं, उसको ऑनलाइन आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, उसे सेल आउट भी कर सकते हैं, और अब इसकी मकबूलियत जो है वो बढ़ती जा रही है। दुकान किराए पर लेने की परेशानी है ना ही, वो जैसे हमजा कह रहे हैं पगड़ी देने का झंझट है, बस घर बैठे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाए, ऐसे मुख्तलिफ मसनूआत से भरे स्टोर को, और फिर दुनिया जहां में डिलीवरी के जरिए अपने ग्राहकों को वो डिलीवर करते हैं। ये तो अब हम बात कर रहे हैं कि खसूसी तौर पर आप कोई कारोबार इस तरह का कर रहे हो, फ्रीलांसिंग है, आपके पास कोई स्किल है, आप अपने स्किल को बेच सकते हैं, घर बैठे हुए कमा सकते हैं। आज हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं और नाम उनका है सहरिश गुल, वो तकरीबन 1 मिलियन से जायद जो है ना कमा रही हैं, महाना की बात कर रहे हैं, सालाना की बात नहीं कर रहे, घर में बैठे हुए वो कैसे कमा रही हैं,
क्या कर लेती हैं, क्या हुआ? हमने उनके बारे में जब उनसे बात की तो हमें ये भी पता चला कि वो कुछ बिजनेस करना चाह रही थी लेकिन घर में ही रहती हैं, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं गालिबन उनके, और उन्होंने उनके साथ जो है इतना ज़्यादा काम कर लिया, अपनी ज्वेलरी बेची, ज्वेलरी बेचने के बाद जो है उन्होंने कारोबार में लगाया, और अब जो है लोग उनको देखते हैं और पूछते हैं कि बाजी हम भी ज्वेलरी बेचें, हम भी कोई काम करें ना करें, तो हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि अनेबलर्स के साथ किस तरीके से उनका ताल्लुक बना, साकिब अज़हर साहब ने उनको किस तरीके से बताया कि आप ऐसे कमा सकती हैं और अच्छे मेंटर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सरिश थैंक यू वेरी मच, आप आई, अस्सलाम वालेकुम। जितनी बातें हमने की सारी दुरुस्त हैं, वाकई आप इतने पैसे कमा रही हैं? पहले तो हम पैसों की तरफ बहुत ज़्यादा ना मुतवज्जे हो जाते हैं, ज़रा लोगों को मुतवज्जे कर दें, वाकई सच है? एग्जैक्टली, यू कैन अर्न मोर देन 1 मिलियन, बल्कि जो लोग ज़्यादा टीम वर्क करते हैं वो इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं इस काम के अंदर। और ये वाकई जो आप बात करते हैं ख़वातीन की, तो ख़वातीन जो है वो जब इतने बड़े बड़े इमरान खान, वसीम अकरम बना सकती हैं तो ये तो बिज़नेस है, कोई मसला नहीं इतना बड़ा। क्या बात है। एनीवेज, जब मैंने स्टार्ट किया वाकई इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज मेरे सामने कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, मेरे सामने कोई फीमेल इनकारनेशन कोई नहीं था जिसको मैं फॉलो कर सकती थी। एंड जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने बहुत बहुत जगह पर मतलब नॉक किया डोर के, मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन एवरी टाइम फीमेल का प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे जो जनरल मतलब हमारा कॉन्सेप्ट है कि फीमेल्स काम नहीं कर सकती, वो स्ट्रेस लेवल नहीं ले सकती उतना, उनका मतलब इमोशनल ज़्यादा होती हैं, दिमाग से ज़्यादा कम सोचती हैं, तो यही कॉन्सेप्ट था जो सबके दिमाग में था। और जब मैंने स्टार्ट किया इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड करती गई तो मैं इनेबलर्स के तरफ आई, और डॉक्टर कासम ज़िया मलिक हैं गुजरांवाला के, उनसे मैं मिली, एम्बेसडर हैं इनेबलर्स के गुजरांवाला में, और ही वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया, यस यू कैन डू इट, गो अहेड। एंड जब मैंने फिर जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली इनेबलर्स तो माशाल्लाह भरी हुई है, एक से एक मेंटोर के साथ, तो सब ने मेरा साथ दिया। हाँ। अब आप कमा तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, आपने स्टार्ट कितने से लिया था और किस तरीके से स्टार्ट लिया था? एग्जैक्टली ऐसा है कि मैंने 2010 में फ्रीलांसिंग से स्टार्ट लिया था। अच्छा। लेकिन जब मेरी शादी हुई और जब मेरा पहला बेबी हुआ, आई क्विट एवरीथिंग के नहीं, मुझे अपनी जिम्मेदारियों की तरफ जाना है, जो हमारी जनरल हमारा भी मतलब एक आइडिया है कि हर औरत जो है पाकिस्तान की वो यही चाहती है कि उसकी फैमिली निगलेक्ट ना हो। बैक देन इन 2018 जब मुझे इनेबलर्स की एक ऐड नज़र आई तो मुझे लगा कि ये काम एक अच्छा है, इसमें थोड़ा स्कोप नज़र आ रहा है। जब मैंने इसे डिग करना शुरू किया, ग्रुप को एक्सप्लोर किया, EVS है इनेबलर्स वीडियो सीरीज़ है उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगा कि इस काम में पोटेंशियल है। लेकिन वही बात है कि मैं किसी के पैसे डुबोना नहीं चाहती थी तो मैंने फिर अपना ज्वेलरी अपनी थी, मेरी कुछ एसेट्स थे, कुछ ज्वेलरी थी, वो सब कुछ सेल करके मैंने तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए। हस्बैंड फैमिली किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये डुबो दोगी, जैसे कि आपने पहले आगे खवातीन पे उतना ट्रस्ट नहीं होता। हाँ, खवातीन खुद भी कहती हैं कि मेरी ज्वेलरी दिमाग में भी नहीं लेके आनी, हाथ लगाना तो दूर की बात है, ये फैसला कितना मुश्किल था। बस यही था ना, कुर्बानी चाहिए होती ना, सैक्रिफाइस जब करते हो फिर उसके बाद लगा देते हो। फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपको? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे माँ बाप की बहुत दुआएं रही मेरे साथ, मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। इनफैक्ट मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि मैंने डबल मास्टर्स किया है, तो मैंने कहा अब मुझे थोड़ा सा मौका दें कि मैं अपने मास्टर्स को यूज़ कर सकूं, अपनी स्किल्स को। डबल मास्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। खवातीन घर में बैठी हैं, बच्चियाँ घर में बैठी हैं, वो आपको देख रही हैं, वो समझेंगी कि ये शायद हम लोग नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको लाइक फाइक होना पड़ता है, इसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्निक्स आपको समझ आती हो, कंप्यूटर आपको समझ आता हो, क्या ये बात दुरुस्त है या सब कुछ आप सीख सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? यहाँ पर मैं एक हमारी सक्सेस स्टोरीज़ को कोट करूँगी कि यहाँ पर वो लोग भी हैं जिन्होंने इंटर किया हुआ है, वहाँ पे वो लोग भी हैं जो बिल्कुल किसान के बेटे हैं। अच्छा। मतलब खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। अच्छा। तो इसीलिए मेरे ख्याल में आपके पास सिर्फ मेहनत करने का जज्बा होना जरूरी होता है, और मेरे पास ऐसी ऐसी फीमेल्स आ रही है जिनको लैपटॉप भी यूज नहीं करना आ रहा, वो तकरीबन 10-10 साल बाद कंप्यूटर को हाथ लगा रही हैं और कह रही हैं कि मतलब एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन वो अपनी मेहनत कर रही हैं, और माशाल्लाह कई उनमें से ऐसी हैं जो अपना पहला क्लाइंट ले चुकी हैं, VA की अभी मतलब मिड में है हमारी क्लासेज, और जी वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विसेज देते हैं उसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी एक्चुअली नहीं होती, तो इसीलिए वो जरा खवातीन के लिए आसान काम होता है कि वो घर पर बैठकर सिर्फ सर्विसेज देकर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए स्टार्टिंग में कमा सकती है। खवातीन को भी बताइए कि आप किस तरह से अर्न कर रही हैं, ताकि जो बैठे हुए हैं इस वक्त चाय का मग लिए हुए और इस इंतजार में है कि सैरिश हमें बताएं कि हम किस तरह से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी कि जिनके पास ना ही ज्वेलरी है कि वो दे सके या उनको इजाजत नहीं मिल रही है, उनके पास पैसे नहीं है, वो क्या करें?
वो सबसे पहले मॉर्निंग शोज को देखना बंद करके जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करके हमारा कारोबार बंद करवा रही है। ये बिल्कुल गलत बात है, मॉर्निंग शो से ही आपको पता चलेगा कि सहरिश जो है वो किस तरह से ऐसी नॉलेज भी जरूरी होती है, ये हमें इधर से ही मिलती है। एनीवेज कमिंग बैक टू द सीरियस पॉइंट, ई-कॉमर्स बाय एनेबलर्स ग्रुप है, अगर आप मतलब ज्वाइन करना चाहें तो www.enablers.org/group है हमारा। उसके अंदर आप बेतहाशा फ्री में वीडियोस हैं, हमारी बहुत ज़्यादा कंटेंट है वहाँ पर, उसको जब आप रीड थ्रू करना शुरू करते हैं ना तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू होते हैं। अब उसमें ना तीन चार चीज़ें हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे। एक होता है बिजनेस मॉडल, मैं जब गई थी मैं बिजनेस मॉडल के साथ गई थी क्योंकि मेरा मतलब जहन ये था कि मैंने सर्विसेज नहीं देनी जी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निगलेक्ट नहीं करना चाहती थी, बच्चे निगलेक्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए। लेकिन फीमेल्स के लिए ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो ये मॉडल जो बिजनेस मॉडल है उनमें पीएल और होलसेल का दो मॉडल्स आते हैं, और जो वीए है वर्चुअल असिस्टेंट है उसमें वो अपनी सर्विस देकर, वो आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपनी सर्विस दें और आप जो ये बता रही है वहां पर आप करेंगे तो आपको सिखा दिया जाएगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं और हर शख्स सीख सकता है। और सहरिश के हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये मोटिवेशन इसलिए भी है कि अब ये आगे खवातीन को, इवन जो लड़के अब नए आ रहे हैं उनको भी सिखा रही हैं कि आप ऐसे काम कर सकते हैं। तो सहरिश ये ख्याल कैसे आया कि मुझे भी आगे सिखाना चाहिए जब मैंने सीख लिया था? वो कहते हैं ना विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब मेरे पास नॉलेज आया उसके बाद मुझे एक बार मतलब सर कासिम ने दो दफ़ा मुझे कहा कि नहीं आपको ये आगे पास इट ऑन, आपके पास नॉलेज है इसको आगे फैलाएं। मुझे मुश्किल था क्योंकि मेरे तीन बच्चे थे, इट वॉज लाइक कि मेरी छोटी बेटी जो है वो साल की थी, बड़ा जो है 2.5 साल का, और बड़ा जो सबसे बड़ा है वो 4.5 साल का था, तो मैं मतलब उनके बारे में काफ़ी कंसर्न थी। बहरहाल फिर मैंने सोचा कि नहीं, समवन हैज़ टू बी देयर। जब मैं थी मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मेरे सामने कोई ऐसी मिसाल नहीं थी जिसको मैं फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकती। Exactly. तो अगर मेरे पे एक जिम्मेदारी आई है तो मुझे उसे पूरा करना चाहिए। देन आई ज्वाइंड एनेबलर्स एज एन फीमेल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, और काफ़ी सिटीज़ में भी हम लोग जो उनसे ना अपने सेमिनार्स भी करवाए हैं, फीमेल ओरिएंटेड सेमिनार्स है जिसमें कहीं पर मतलब हम लोगों ने पर्दे का भी खास ख्याल रखा है हर चीज़, यानी कि अगर खवातीन घर पर बैठ के काम करना चाहती हैं, अगर वो बाहर आके नॉलेज भी लेना चाहती हैं तो पर्दे का खास इंतजाम करके ये सारा कुछ किया गया। एनीवेज हम लोगों ने कोशिश यही की है कि EVS हमारी इनेबलर वीडियो सीरीज है उसको फ्री में अभी अप्लाई करें खवातीन घर पे बैठ के, तो वो उसका एक्सेस उनको मिल जाता है विदाउट एनी कॉस्ट, यानी उनको कोई पे नहीं करना पड़ता उसके लिए। सिर्फ आपके घर पे एक लैपटॉप सिस्टम या फिर मोबाइल पे भी आप वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस आप देख सकते हैं मोबाइल पे, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हैं यू हैव टू यूज द लैपटॉप। अच्छा, जो मदर्स बैठी हुई हैं जिनके बच्चों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है उनके लिए भी मोटिवेशन है, सहरिश के बच्चे थे और बच्चों के होते हुए अब जब है, अब दिल करता है कि अब तो ये मामला शुरू हो गया है, मैंने फैमिली को भी टाइम देना है, कितना ज्यादा टाइम लग जाता है? अगर हम आपकी इनकम को देखें माशाल्लाह तो लगता है शायद आप पूरा दिन काम ही करती रहती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, असल में आपका स्टार्ट का जो पीरियड होता है ना वो थोड़ा हेक्टिक होता है। लाइक जब मेरे बच्चे रात को 12 बजे सोते थे क्योंकि छोटे छोटे थे, 6 महीने की बेटी थी जब मैंने स्टार्ट किया, और जब मैंने उनको सुलाना है तो 12 बजे के बाद मैंने काम करना शुरू करना ऑनवर्ड 4-5 बजे तक। अच्छा, 4-5 घंटे काम करना। हाँ, लेकिन ये स्टार्ट की बात है। अब तो अच्छा। मैं लाइक 2-3 दिन लैपटॉप भी नहीं खोलती हूँ, मोबाइल पे चेक कर लेती हूँ। मेरा वीए मेरे लिए काम कर रहा है, 3 मेरे पास वीएस और हैं जो मेरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करते हैं साथ साथ, और मेरी मतलब छोटे मोटे टास्क सारे वो ही करते हैं, और एक बिजनेस के लिए मैंने वीएस रखे हुए हैं वो मेरे सारे बिजनेस को हैंडल करें, यानी कि ऑटोमेशन हो चुकी है। मैं ना भी करूँ तो इट्स ओके, इट्स गोइंग स्मूथली लाइक। तो इसीलिए अगर खवातीन करना भी चाहती हैं तो मैं यही कहती हूँ, अपनी स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ, और जिस जिसको बताना होता है यही कहती हूँ कि पहला साल मुश्किल होता है, 1 साल लगा लेंगे, अगले 40 साल आप बैठ कर खाएंगे। अच्छा सहरिश, वही बात कि लैपटॉप यूज करना आपको आना चाहिए, या फिर जैसे हमने कहा पहले, हमजा ने कहा कि अगर इन ये फैसिलिटीज भी नहीं है या फिर ये अवेल करनी नहीं आती है, पता नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है, वो लोग किस तरीके से इसमें आ सकते हैं? हमारे जो इनेबलर्स के जो एक मतलब पोर्टल है वो इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें हर तरह के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर कोई लड़की ऐसी हैं जिनको सिर्फ मोबाइल्स यूज़ करना आता है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकती हैं, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकती हैं, वो लिस्टिंग प्रमोशन भी कर सकती हैं, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर जो सिर्फ मोबाइल से होते हैं। मतलब आपको लैपटॉप ऑन करने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ कम्युनिकेशन बेस होते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर लिया या दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर लिए, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप लीड्स ला कर और लीड जनरेशन का काम करके भी अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सहरिश, बहुत शुक्रिया आपका। आप गुड़ा से आई, आप जो हैं सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी और मोटिवेशन है आप उन खवातीन के लिए जो आपको देख रही थी, जो मर्द हज़रात भी देख रहे हैं, आप लोग कमा सकते हैं, आपके पास सिर्फ विजन होना चाहिए और फिर आपने घबराना नहीं है इस चीज़ से कि मुझे नुकसान हो जाएगा, थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सुबह सवेरे
बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान, हम वापस आ चुके हैं। खेल और खिलाड़ी की थोड़ी सी बात करना चाह रहे थे हम। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का पहला मार्का आज होगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम साढ़े तकरीबन 5 बजे इन एक्शन होने वाली हैं, और हमजा तो टीवी के सामने जमकर बैठ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तो एक एक लम्हा जो है देखता हूँ। और वनडे सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले फखर जमान को इंजर्ड इमामुल हक की जगह और शादाब खान की जगह जाहिद महमूद को T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। इमाम की तो खैर मुझे लगता है कि इस हवाले से उसमें जगह ही नहीं थी, और फखर जमान को शामिल हमने इसलिए भी किया कि शर्जील के हवाले से कुछ क्वेश्चन सामने आ रहे थे उनके वेट को लेके, तो उनकी फिटनेस को भी थोड़ा सा देखना था। फिर परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी थी कि पहले हमने उनको T20 में शामिल नहीं किया था। इमाम का तो इंजर्ड है भी नहीं, शादाब इंजर्ड हुए थे, हमने सिर्फ शादाब को देखा। खैर आगे बढ़ेंगे और आपको हम ये भी बताएंगे कि फखर जमान जो है आज उनकी सालगिरह है, और 31 बरस के जो हैं वो फखर जमान हो चुके हैं, तो उनको हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं। बिल्कुल जी, हैप्पी बर्थडे फखर जमान, बहुत अच्छा खेल पेश करते हैं और आज आप अपनी सालगिरह भी मना रहे हैं, तो हमारी तरफ से तो आपको बहुत सारी ढेरों सारी बल्कि मुबारकबाद। हाँ जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का मैच आपको खिलाया भी जाएगा और आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। साथ ही मोहम्मद हफीज पर आज नज़रें मरकूज होंगी, सबकी निगाहें मरकूज होंगी, जो T20 फॉर्मेट में 100 इंटरनेशनल मैचेस मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक मैच, और शुएब मलिक से ज्यादा रन्स बनाने के लिए सिर्फ उनको 13 रन्स दरकार है। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले T20 के खिलाड़ी बन जाएंगे, और आज बाकी नजरें उन पर मरकूज होंगी क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन के साथ वो हैं इस वक्त, और अगर वो अपना खेल अच्छा पेश करते हैं तो मेरे ख्याल में बेहतरीन फॉर्म में। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ स्पोर्ट्स तजियाकार अब्दुल गफार साहब। गफार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कितना आप मैच देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हक में पहले ही है कि इंजरीज इतनी ज्यादा हैं साउथ अफ्रीका की टीम में, फिर कुछ खिलाड़ी जो मेन खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद नहीं है, पाकिस्तान का पलड़ा कितना भारी है? वालेकुम अस्सलाम, आपको और तमाम देखने वालों को भी गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, वनडे सीरीज के बाद बिल्कुल वही सूरत हाल, बल्कि अब तो और ऑब्वियसली उनके लिए खराब सूरत हाल होगी। जो उनके कप्तान है बमूमा, वो भी इंजरी के बायस जो है वो इस T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। बट हमजा, क्योंकि आप बड़े कीन फॉलोअर हैं क्रिकेट के, और आपको ये पता है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां ये मार्जिन रहता है किसी नस्बतन कमजोर या ना तजर्बेकार टीम के पास भी, कि वो एक 20 ओवर के मैच में ऑब्वियसली क्योंकि सिर्फ 20 ओवर हैं, एक अच्छी इनिंग मिल जाए, एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाए तो पूरा मैच तब्दील हो जाता है। इसी तरह एक दो अच्छे ओवर पूरे मैच का मोमेंटम चेंज कर देते हैं। बट स्टिल आई थिंक पाकिस्तान का हौसला बहुत बुलंद है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वनडे सीरीज में जीत मिल जाए, और फिर जैसे बाबर खेल रहे हैं, जैसे फखर इंशाल्लाह आज भी मुझे बताया जा रहा है कि वही ओपन करेंगे रिजवान के साथ, तो बहुत अच्छी पाकिस्तान टीम के पास जो है वो मोमेंटम है। वर्ल्ड T20 का साल है हमजा, मेरे ख्याल में इससे बेहतर वो अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिलनी थी आपको, क्या मुल्क से बाहर 4 मैचों की सीरीज में जो है वो एक अच्छी टीम को उनके होम ग्राउंड पे हराया। देखें, कोई याद नहीं रखेगा आज से 6 महीने बाद कि इस टीम में कौन था या नहीं था। जीत मिलनी चाहिए, वर्ल्ड T20 से पहले जीत की बड़ी अहमियत होगी। अब्दुल गफार, अगर बाबर आजम की बात करें तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए उन्होंने सब कोई अपना गिरवेदा बनाया हुआ है, क्या समझते हैं कप्तानी का एक तरफ प्रेशर, अपनी अच्छी खेल पेश कर सकेंगे इसके बावजूद भी, या फिर प्रेशर बेल्ट नहीं ले पाएंगे उस तरह से? देखिए, बाबर आजम के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप बस माशाल्लाह पढ़िए और परफॉर्मेंस तो खुश होइए, क्योंकि नजर ना लगे, क्योंकि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस इतनी यंग एज में, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, पाकिस्तान का फखर है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान की वजह से उनका नाम पूरी दुनिया में देखे माना जाता है। उनके फैंस क्लब अगर आप देखें तो स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन जैसे प्लेयर्स के साथ उनका कंपेरिजन होता है, तो हमें तो बड़ा फखर होना चाहिए। और एक ही कंसर्न था कि शायद ऐसा तो नहीं है कि कैप्टनसी उनकी कहीं बैटिंग को जो है वो कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब ना कर दे, बट माशाल्लाह माशाल्लाह अब तक वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको इन तमाम हक के बाद, या अगर आप कह लें जैसे एक जमाने वसीम वकार थे, मोहम्मद यूसुफ चले कप्तान इतना अच्छा नहीं रहे, बट अगर आपको इतना वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी और ऊपर से वो कप्तान हो, फिर कप्तानी में वो जिता रहा हो आपको साउथ अफ्रीका में, तो ये तो बड़े अरसे बाद हमजा, आपको भी पता है कि बड़े अरसे बाद हम भी क्रिकेट पे कोई तारीफ करने पर मजबूर हुए कि हमारी टीम जो है वो गैर मुल्की सरजमीन पे जाके अच्छा खेली, फिर भी हम बहुत मोहतात रहते हैं कि कहीं नजर हमारी नजर ही ना लग जाए बाबर आजम को भी रहते हैं। जिस तरह इशाल, मैं जब बात करता हूँ ना गफार भाई, मैं कहता हूँ कि यार ओपन जो है ना हमें T20 में शर्जील से और फखर से करवाना चाहिए, तो इशाल मुझे कहती है टीम आपसे पूछ के रखनी चाहिए। खैर, आप नहीं देखते कि हमें T20 में कम से कम शर्जील को आप तो मौका देना चाहिए, साथ मौजूद भी हैं, ट्राई कर लें। आपने बता दिया कि रिजवान ही ओपन कर रहे हैं।
हाँ खबरें यही है अब तक हमजा, चूंकि ऑब्वियसली कल पाकिस्तान पहला T20 खेलेगा और उससे पहले T20 हमने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जब खेला था होम सीरीज में, तो बहुत कुछ तब्दील हो गया है। 60 खिलाड़ी आपके चेंज है उस T20 टीम से। तो कल जब हम भी बैठ के अंदाजे लगा रहे थे कि क्या क्या होगा, तो पता चला जी काफी आधी टीम ही चेंज हो गई हुई है, क्योंकि अब तो इफ्तिखार नहीं है इस तरह जो बाकी प्लेयर थे, जैसे मुझे तो नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे, बट काफी चेंजेस, चूंकि 7 चेंजेस किए हमजा पाकिस्तान ने T20 टीम में। बट फखर और रिजवान ओपन कर रहे हैं, उसके बाद ऑब्वियसली बाबर आएंगे, फिर हफीज सबसे बेहतर इस फॉर्म में है, फिर हैदर अली होंगे, हैदर भी खेलेंगे। उनको पेशावर धर्मी ने आपको याद है जैसे नंबर 5 पे खिलाया था द पावर हिटर, तो उन्होंने मसल्स दिखाए थे शेख मलिक के साथ, आपको याद है एक दो मैच फिनिश भी किए थे। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने भी उनके उसी रोल को ही बरकरार रखने का फैसला किया है कि हम उनको एज अ पावर हिटर खिलाएं, विच इज नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि वहां वो अच्छा कर रहे हैं रिसेंट पास में। इसी तरह अब नंबर 6-7 का जो स्लॉट है हमजा, आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम जिसको पाकिस्तान ने कम से कम इस सीरीज में जरूर हल करना है। मैं तो समझता हूँ कि आसिफ अली को खिला लेना चाहिए, क्योंकि T20 के अंदर वो एक निस्बतन बेहतर प्लेयर है। नहीं तो हसन अली वहाँ पर मौजूद, हसन अली वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, इतनी बैटिंग स्ट्रेंथ है, हमें तो रखना चाहिए कि हम बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बेहतर है, तो हसन अली वहाँ पर अगर और फहीम अशरफ थोड़ा सा सपोर्ट कर जाते हैं तो बेहतर टीम बन जाएगी आखिरी ओवर्स में भी। हम तो फहीम और हसन ऑब्वियसली बोले अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, हसन ने तो पिछले मैच में क्या कमाल की बैटिंग की, बट ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा भी वक्त है कि हम उन्हें उन पर इंतजार करें। हमें पावर हिटर एक जैनवन चाहिए होगा, और देखें जिसका काम उसी को साजे, जो फास्ट बॉलर है जो ऑलराउंडर है उससे उतनी एक्सपेक्टेशन रखें जितनी उससे आपको रखनी चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए। इसीलिए उस्मान कादर जी आप देखें ना, जब से पाकिस्तान की लिमिटेड ओवर टीम में आए हैं उन्होंने एक नई जान डाली है पाकिस्तान की बॉलिंग में, क्योंकि स्पेशलिस्ट बॉलर जो है ना, वो भी लेग स्पिनर हो या जैसे मैं पावर हिटर के रोल की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक पाकिस्तान शुड गो फॉर अ स्पेशलिस्ट, यानी कि आसिफ अली, क्योंकि बैट्समैन है, उनका एक मुवाजना नहीं किया जा सकता किसी भी ऑलराउंडर से। बट इंटरेस्टिंग होगा आज के 11 को देखकर, हमें भी समझ में आएगी कि मिसबा या बाबर किस अंदाज से सोच रहे हैं, बट चूंकि जीते हुए हैं आई थिंक आइडियली चार्जर शजील और फखर को ओपन करना चाहिए, और यही मॉडर्न डे क्रिकेट का तकाजा है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप रिजवान आप को नीचे तो सेकंड कर रहे हैं हमजा की बात को, आप तो हमजा की बात को सेकंड कर रहे हैं क्योंकि हमजा भी यही चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें फखर जमान की, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा कमबैक किया है, क्या समझते हैं अगर वो इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं तो क्या ये टीम के लिए अच्छा शगुन होगा T20 के लिए स्पेशली? बिल्कुल, आई थिंक ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के टूर पे जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि सेम डे फ्लाइट थी और उनको चंद घंटे का बुखार हुआ, कोविड भी नहीं था, सिर्फ चंद घंटे का बुखार था, और न्यूजीलैंड का पूरा टूर मिस किया। तो ये होता है किसी क्रिकेटर के लिए, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। फिर बाबर आजम आपको याद होगा इंजर्ड हो गए थे, बट अब पाकिस्तान टीम के लिए अगेन मैं कहूँगा आप सब फिर माशाल्लाह बोल दीजिए कि इंजरीज भी नहीं हो रही है, इस पर सारे मसले हल हुए हुए हैं, तो ये एक अच्छा पैच है। दूसरी जानी साउथ अफ्रीका के सारे प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे हैं, कप्तान उनके इंजर्ड हो गए हैं, तो बुरी तरह मुश्किलात में घिरे हुए हैं। दूसरी जानी हमारे पास लड़के परफॉर्म भी कर रहे हैं, फिट भी हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये मैं अगेन कहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड T20 से पहले 4 मैचेस के अंदर ना सिर्फ हमजा मेरे ख्याल में जीत पे तवज्जो मरकूज हो, अल्लाह करे कि हम पहले 2 मैचेस जीते, उसके बाद हम वसीम जूनियर को इसी तरह और जो प्लेयर जिनको भी मौका नहीं मिला आपको भी मौका दिया जाए, आप साथ लेके गए हैं। बिल्कुल ठीक है अब्दुल गफार साहब, बहुत शुक्रिया आपका सुबसफरान का आप हिस्सा बने, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आज भी बेहतरीन खेल पेश करेगा। अब हम इशाल सबको एक टैलेंट से मिलाने जा रहे हैं, बेहतरीन पाकिस्तान के टैलेंट से। आज आपकी जिस टैलेंट से हम मुलाकात करवा रहे हैं, नाम है इनका नुमान अली, उभरते हुए नौजवान गुलुकार हैं ये। मौसीकी से मोहब्बत करने वाले नुमान को बचपन से ही गुलुकारी का बहुत शौक था, गजलें पुराने गाने बहुत शौक से गाते हैं, आपको भी सुनवाते हैं। और अब बिल्कुल नया अंदाज भी है उनके अंदर, अगर गजलें हम क्लासिकल की बात करें माशाल्लाह से वो सीखे हुए हैं, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान के अंदर, 2 दफा जो है उसमें गोल्ड और सिल्वर सेमी क्लासिकल में और गजल कैटेगरी में वो हासिल कर चुके हैं। तो हम बातें कम करेंगे, नुमान को ज्यादा सुनेंगे। नुमान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो गिटार आपके पास है, बात हम कर रहे हैं सेमी क्लासिकल ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में आप जीत चुके, गजल कैटेगरी में आपने गोल्ड हासिल कर लिया, ये फिर क्या इतने पुराने कैसे, आजकल तो ये ट्रेंड नहीं चल रहा है बेसिकली? शौक कैसे है? शौक इस तरह है कि वो होता है ना कि एक बचपन से ही एक तरफ आपका लगाव होता है, तो मेरा म्यूजिक के साथ था। अच्छा। तो जो मेरे दौर के गाने थे वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते थे। अच्छा। मुझे जो गुजर चुके हैं गाने वो ज्यादा मुझे अच्छे लगते थे। किसको सुनते थे बचपन में जो बचपन में इंटरेस्ट पैदा हुआ? लाइक रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब को और मैडिसन साहब को,
हमारे नौजवानों में ये जौक नहीं है वैसे इतने पुराने गानों को। यहाँ अभी हम जब नुमान को सुनेंगे तो हमें फिर जो है वो गुलों में रंग भरते हुए नजर आएंगे। क्या सुना रहे हैं? चले इसी गजल से फिर चले आगाज करते हैं। चले इम्तिजाज साथ गज़ल है वो इतना अपने नए स्टाइल से जो है आप खुद भी कंपोज कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी रिसेंटली मेरा एक गाना आया था। अच्छा। रिसेंटली तो नहीं, लॉकडाउन में जब स्टार्ट हुआ था। अच्छा। तो एक गाना कंपोज किया था, उसका वीडियो वगैरह भी किया था। अच्छा, तो अपना अभी हमें सुनाएंगे जो आपने खुद कंपोज किया, वो ज़रा हम सुनना चाहेंगे आपसे। एक और जिस तरह अभी शायरी के ऊपर बात हो रही है तो फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल थी एक मैंने कंपोज की है सागर सिद्दीकी की। अच्छा। हमारा बैंड होता था तो वो किसी वजह से वो सारे बिछड़ गए हैं। अच्छा। तो जब भी उनका मुझे आता है जेहन में तो ये गाना मेरे जेहन में जरूर आता है। सागर सिद्दीकी की ये गजल है। है
जिंदगी जब रे मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जाने किस जुर्म की पाई है सजा, याद नहीं मेरे नगमात को अंदाज़े नवाया। बहुत अच्छे भाई, आपको अपना बैंड याद आया, हमें तो सागर सिद्दीकी आपने याद करा दी, इतनी बेहतरीन जो है गज़ल आपने कंपोज की। तो अब क्या आगे के फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना है, क्या सिर्फ म्यूज़िक करना है या और भी कुछ कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे म्यूज़िक का तो खैर बचपन से शौक ही है, लेकिन साथ साथ मुझे टूर्स का बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ है। अच्छा, तो मतलब शौक था, घूमने फिरने जाया करते थे, तो मैंने अपना ही लाइक टूर कंपनी स्टार्ट कर ली, तो नॉर्दर्न साइड्स के तो हम लोग टूर्स करते हैं, वहाँ पर जाके ज़्यादा बेहतर ख्याल भी आते हैं, ख्याल भी आते हैं, कॉम्पोजिशन आती हैं और नई चीज़, मतलब जब इंसान देखता है तो नए ख्याल उसके जो नए ख्याल आपको आते हैं। एक मिनट है हमारे पास, हम आपसे वो भी सुनना चाहेंगे, कोई और चीज़ भी हमें। चले, एक कमर्शियल सॉन्ग था मेरा एक बार ही आ जा, वो रिलीज हुआ था तो लास्ट में। जिथों से लंघदी मैं भी उतो लंघदा, कोलो कोलो लंघदा मैं थोड़ा जिहा खंघदा, जिथों से लंघदी मैं भी उतो लंघदा, कोलो कोलो लंघदा मैं थोड़ा जिहा खंघदा, दिल दियां गल्लां करा मैं मसा संगदा, थोड़ा जिहा प्यार रुकू मैं भी पे मंगदा। एक बारी आ जा मेरे हणिया मेरे ढोल जानिया, एक बारी आ जा मेरे हणिया मेरे ढोल जानिया, एक बारी आ जा मेरे हणिया मेरे ढोल जानिया, सावा दी डोरी ए, सावा दी डोरी ए, असा पिंड नहीं बसना साडा सजन लाहौरी, ओदा हुसन कमाल ओ तो जुल्फा दा जाल, ओदा हुसन कमाल तो जुल्फा दा जाल, ओदी नागनी ब्लैक विच गजरे दी तार, ओदा हुसन कमाल तो जुल्फा दा जाल, ओदी नागनी ब्लैक विच गजरे दी तार, अखियां बिल्लियां चे सुरमा पाके, एक बारी आ जा मेरे हणिया मेरे ढोल जानिया, एक बारी आ जा मेरे हणिया मेरे ढोल जानिया, एक बारी आ जा मेरे हणिया। क्या बात है जी, वाह वाह वाह, गजल भी आपने सुना दी, एक नगमा भी सुनाया, फिर आपने एक बेहतरीन सी चीज हमें फिर से सुनाई है, और साथ अंदर माइये का भी जो है ना टच, टप्पे माइये जो होते हैं उनका भी टच है, बहुत बेहतरीन था। बहुत शुक्रिया नुमान, आप आए, आपके लिए ढेरों दुआएं कि आप बहुत कामयाब हों, ऐसे टैलेंट को जो है सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, इनको अप्रिशिएट भी हमने करना है। अब मुझे और विशाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।